गुड मॉर्निंग हमारे क्लास टेंथ के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे आपका सप्लीमेंट्री रीडर का सातवां चैप्टर दी नेकलेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे। आज प्यारे बच्चों इस चैप्टर का एक एक वर्ड की मीनिंग बताते ही विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चलने से पहले आपको सिलेबस बता देते हैं कि अभी तक आपका कहाँ तक सिलेबस पहुँचा है। अभी तक आपका प्रोज में प्यारे बच्चों आपका 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री सेक्शन पर बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आज ही आपका 7वां चैप्टर शुरू हो जा रहा है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हुआ हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें अब तक चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो उसमें से जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं, आज इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा पीडीएफ आपका तैयार है, पूरे चैप्टर का पीडीएफ तैयार है, तो आप लोग एकदम आराम से बैठ जाइए और एक ही बार में कोशिश करिए इस वीडियो को, इस क्लास को एक ही बार में अटेंड करिए। चाहे जितनी लंबी क्लास हो, 2 घंटे की क्लास हो, 2.5 घंटे की क्लास हो, चाहे जितनी लंबी क्लास हो, एक बार में कोशिश करिए आपको कवर कर सके। तो जल्दी से आप लोग अपनी किताब कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। तो प्यारे बच्चों इसकी इस चैप्टर पर चलने से पहले इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन मीन्स हिंदी व्याख्या करने से पहले हम लोग इस चैप्टर की समरी जान जाते हैं, कहानी क्या है। इस चैप्टर की समरी जान जाएंगे तो और अच्छे से जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर की समरी क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, दी नेकलेस। नेकलेस मींस होता है हार, जो गले में पहनते हैं, हार जो गले में पहनते हैं उसी को नेकलेस बोलते हैं। स्त्री लोग जो है जब मेहरारू जो है पहनती नहीं गलवा में तो उसी को नेकलेस बोलती है ना, तो वही है क्या, नेकलेस। और सेम कहानी इसमें नेकलेस वाली वही है, मींस हार की कहानी क्या है। चैप्टर का नाम क्या हो गया, हार हो गया, मींस नेकलेस हो गया। अब इस नेकलेस की कहानी क्या है पहले हम लोग उसे समझते हैं। नेकलेस की कहानी क्या है, दो कैरेक्टर इसमें याद रखिए, मींस दो जो है व्यक्ति के बारे में इसमें याद रखिए। एक नाम है माटिल्डा, दो नाम आपको याद रखने हैं, एक का नाम है माटिल्डा, दूसरे का नाम है फॉरेस्टियर। माटिल्डा एक सुंदर सी जो है क्या होती है, स्त्री होती है, एक सुंदर सी, बहुत सुंदर, मतलब एकदम बहुत सुंदर स्त्री होती है माटिल्डा। लेकिन उसकी दिक्कत क्या होती है, कोई गरीब परिवार में जन्म लेती है और गरीब परिवार में उसका विवाह भी हो जाता है, मींस एक क्लर्क से उसकी शादी हो जाती है, मतलब एकदम नॉर्मल लाइफ रहती है। लेकिन वह जो है उम्मीद करती है कि जो है कि हम एक अच्छी लाइफ जिए, मींस सब कुछ अच्छा हो, तो वह ऐसी उम्मीद करती है क्योंकि जो है सुंदर है तो जाहिर सी बात है सोचेगी कि हम कोई कोनो राजकुमार से ब्याह किए होते तो एकदम बढ़िया सा हम लोग मतलब हम एकदम भोग करते, मतलब सब कुछ दुनिया का एकदम लग्जरी वाला हम भोग करते, क्योंकि सुंदर थी जाहिर सी बात है तो उम्मीदें करेंगी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर जो है उसे एक पार्टी में जाना था, मींस माटिल्डा को एक पार्टी में जाना था उसके पति के साथ, जो है उसे पार्टी में जाना था। तो उसके पास, क्योंकि आपको पता है कि वो काफ़ी गरीब थी, तो उसके पास कोई कपड़े उपड़े नहीं थे और जो न तो कोई गहने थे पहनने के लिए। तो माटिल्डा के पति ने उसे एक कपड़े दिलाए, तो कपड़े तो उसके पास हो गए लेकिन गहने फिर भी नहीं थे। गहने जो है उसने एक उसकी सहेली थी, सहेली का नाम है फॉरेस्टियर, उसकी सहेली के नाम क्या है, फॉरेस्टियर है। तो फॉरेस्टियर से वह गहने क्या करती है, उधार ले लेती है, और गहने उधार ले लेती है, फिर उसके बाद जो है गहने में एक हार उधार लेती है, मींस एक नेकलेस उधार लेती है, और नेकलेस जो है बाद में खो जाता है। पार्टी में जाती है, एंजॉय, फुल एंजॉय करती है, सब कुछ होता है, लेकिन नेकलेस बाद में खो जाता है। तो खोने के बाद क्या कंडीशन होगी, क्या वह उसे वापस कर देगी, मीन्स खोने के बाद क्या, कैसे क्या हुआ, से वह हार मिल जाता है, मीन्स वह नेकलेस मिल जाता है, वह उसे वापस कर देती है, या फिर उसके बदले में नया हार देती है, मींस नया नेकलेस देती है। और वो नेकलेस रहता है डायमंड का नेकलेस रहता है, क्या एक गरीब इतनी है कि डायमंड का नेकलेस खरीदने के एबल हो जाएगी, उसे वापस उसके उस दूसरा हार, उसे दूसरा नेकलेस उसे दे देगी डायमंड का खरीद करके, क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर पर, इसके चैप्टर के पे टेक्स्ट पे इसके आ जाते हैं हम लोग। जल्दी से टेक्स्ट पे आते हैं, आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, टेक्स्ट में जल्दी से आ जाइए। और टेक्स्ट पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग आ जाते हैं इसके टेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसका टेक्स्ट यहां से शुरू होता है, माटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। हमने बताया उस पुअर स्त्री का नाम क्या है, पुअर मींस गरीब स्त्री का नाम क्या है,
तो मार्टिल्डा, तो वही दिया हुआ है, मार्टिल्डा इज इनवाइटेड, मार्टिल्डा को इनवाइट किया गया मींस आमंत्रित किया गया, इनवाइट मींस होता है आमंत्रित कर देना। वर्ड मीनिंग लिखते चलना, वर्ड मीनिंग सभी लिखते चलना, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन आप वर्ड मीनिंग लिखते चलना, एक बार में जैसे समझ में आ जाना चाहिए। तो वही दिया है, मार्टिल्डा इज इनवाइटेड, मार्टिल्डा को आमंत्रित किया गया मींस बुलाया गया, टू अ ग्रैंड पार्टी मींस एक शानदार पार्टी में, कार्यक्रम में, मार्टिल्डा को एक शानदार पार्टी में अर्थात कार्यक्रम में बुलाया गया। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर ड्रेस थी मींस पोशाक थी, उसके पास एक सुंदर ड्रेस थी, ड्रेस बोले तो पोशाक, उसके पास एक सुंदर पोशाक थी, बट नो ज्वेलरी, लेकिन कोई गहने नहीं थे, अर्थात उसके पास एक सुंदर पोशाक तो हो गई थी, कपड़े हो गए थे, लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं थी, ज्वेलरी मींस गहने नहीं थे, और मेहरारू का बिना गहना का तो सजा था उनका पूरा नहीं होगा, तो इसलिए उसे दुख हो रहा है कि उसके पास क्या नहीं थे, ज्वेलरी नहीं थी मींस गहने नहीं थे। सी बारोज वह उधार लेती है, और नेकलेस मींस एक नेकलेस उधार लेती है, नेकलेस बोले तो हार, वह एक हार उधार लेती है, फ्रॉम अ फ्रेंड मींस अपने एक दोस्त से, वह अपने एक दोस्त से क्या करती है, एक हार उधार लेती है, एंड लूजेज इट, और इसे क्या कर देती है, खो देती है, लूज मींस होता है खोना, और इसे वह क्या कर देती है, खो देती है। What happens then? फिर उसके बाद क्या होता है? What happens means क्या होता है? Then means उसके बाद। Then means तब कहते हैं। तो तब क्या होता है? Means उसके बाद क्या होता है? तो ए आपकी कहानी है, मींस ए बिफोर द टेक्स्ट था, मींस टेक्स्ट पे चलने से पहले ये दिया हुआ था। अब हम लोग देखते हैं इसके पहले टेक्स्ट पे आते हैं, ये तो बिफोर द टेक्स्ट हम लोग पढ़ लिए, अब इसके पहले टेक्स्ट पे आते हैं मींस पहले पैराग्राफ पे आते हैं, देखते हैं पहले पैराग्राफ में क्या है। सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। ध्यान देना, सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी, वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी, सी वॉज वन, वह एक थी, आप दोज प्रीटी, उन सुंदर, प्रीटी में सोता सुंदर, उन सुंदर महिलाओं में से वह एक थी, यंग लेडीज, वो उन सुंदर, और कैसे, यंग लेडीज मींस नौजवान स्त्रियों, वो उन सुंदर नौजवान स्त्रियों में से वह एक स्त्री थी, बॉर्न एज, बॉर्न एज मींस होता है जैसे कि, बॉर्न एज मींस जन्म ली हुई है, एज इफ जैसे कि, एज इफ मींस होता है जैसे कि, बॉर्न मींस जन्म ली हुई है, एज इफ जैसे कि, थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी मींस भाग्य की गलती की वजह से, ऐसे जन्म ली है मींस कैसे जन्म ली है, जैसे कि भाग की गलती की वजह से वह जन्म ली हुई है, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, किस परिवार में, एक क्लर्क के परिवार में, जैसे ऐसा की प्रतीत होता है, जैसे कि वह एक भाग की गलती से एक गरीब परिवार अर्थात क्लर्क के परिवार में क्या की है, जन्म ली हुई है। फिर से पूरे सेंटेंस का अर्थ देखना, क्लियर नहीं होगा तो, सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज, वह उन सुंदर युवा महिलाओं, यंग लेडीज हमने पहले ही जोड़ दिया, वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी, एज इफ बॉर्न मींस जन्म ली हुई है, एज इफ जैसे कि, एरर ऑफ डेस्टिनी मींस भाग की गलती की वजह से वह जन्म ली हुई है, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क मींस क्लर्क के परिवार में, मींस वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो भाग की गलती की वजह से क्लर्क के परिवार में क्या की हुई थी, जन्मी हुई थी, मींस जन्म ली हुई थी। She had no dowry, उसके पास देने के लिए कोई डाउरी नहीं था, डाउरी बोले तो दहेज, दहेज मतलब जवन सदिया भी हवा में मिलता है ना, गड़िया मिलती है, चार चक्कैया मिल जाती है कोनों को सदिया में, कोनों को सदिया में दुई चक्कैया मिल जाती है, कोनों को साइकिल, सदिया में पहले साइकिल वाइकिल मिलती थी, अब तो साइकिल वाइकिल नहीं मिलती है, पहले सदिया में साइकिलियों मिलती थी, तो वही है क्या, डाउरी है, मीन्स वही है दहेज, तो उसके पास क्या नहीं था, सी हैड नो डाउरी, उसके पास देने के लिए कोई दहेज नहीं था, नो होप्स कोई उम्मीदें भी नहीं थी, नो मीन्स आप बिकमिंग नोन और प्रसिद्ध होने के लिए, नोन मीन्स होता है प्रसिद्ध होना, और प्रसिद्ध होने के लिए कोई माध्यम भी नहीं था,
लव्ड मीन्स प्रेम करने के लिए, एंड मैरिड मीन्स शादी करने के लिए, बाय अ मैन मीन्स एक ऐसे व्यक्ति से, आइदर रिच या तो वह धनी हो, और डिस्टिंग्यूज्ड मीन्स, डिस्टिंग्यूज्ड मीन्स होता है प्रसिद्ध या विशिष्ट व्यक्ति या प्रसिद्ध, या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर धनी व्यक्ति से उसके पास शादी करने का कोई क्या नहीं था, कोई उसके पास कोई तरीका नहीं था। तो वही दिया हुआ है यहाँ पर कि सी हैड नो डाउरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था, नो होप्स, कोई उम्मीदें नहीं थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन मीन्स प्रसिद्ध होने के लिए कोई उपाय नहीं था, लव्ड मीन्स प्रेम करने के लिए कोई तरीका नहीं था, मैरिड मीन्स शादी करने के लिए, बाय अ मैन मीन्स एक ऐसे व्यक्ति से, आइदर रिच या फिर वह गरीब अमीर हो, आर डिस्टिंग्यूज्ड मीन्स या विशिष्ट हो अर्थात प्रसिद्ध व्यक्ति हो, ऐसे इंसान से शादी करने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं था। एंड सी अलाउड, उसने अनुमति दे दिया हरसेल्फ मीन्स स्वयं को, टू मैरी मीन्स शादी करने के लिए, अ पेटी क्लर्क मीन्स एक सामान्य से, पेटी मीन्स होता है सामान्य या तुच्छ, एक तुच्छ से क्लर्क से, इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड एजुकेशन मीन्स शिक्षा विभाग के एक ऑफिस के क्लर्क से शादी करने का उसने क्या दे दिया, अनुमति दे दिया। अर्थात उसने शादी किससे कर लिया, शिक्षा विभाग के एक क्लर्क से उसने क्या कर लिया, शादी कर लिया। वही दिया है, सी अलाउड हरसेल्फ, उसने अपने आप को अनुमति दे दी टू मैरी में शादी करने के लिए, अ पेटी क्लर्क में से, तुच्छ से क्लर्क से, इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, शिक्षा विभाग के क्लर्क से, शिक्षा विभाग के क्लर्क से उसने शादी करने की अनुमति दे दी। अर्थात उसने शादी किससे कर लिया, शिक्षा विभाग के एक क्लर्क से उसने शादी कर लिया। यही होता है जब जो है लड़कियां छोटवार होती है ना, मतलब हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में होती है ना, वो सोचती हैं कि हम ब्याह करेंगे, कौनो डीएम से ब्याह करेंगे, कौनो एकदम बढ़ के जो है आदमी से ब्याह करेंगे, लेकिन जब ब्याह का समय आता है ऐसा लोग से ब्याह कर लेती हैं, उनका सारा सपना का चूर रह जाता है। इसी लोग जब बिटिया लोग देख रही है ना, तो खूब मन से पढ़ाई करिए, खूब मन से पढ़ाई करिए, जिससे आपसे ब्याह करने के लिए लोग तड़पें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी वाज सिंपल, वह बहुत साधारण थी, बट सी वाज अनहैप्पी, लेकिन वह क्या थी, दुखी थी। वह बहुत साधारण थी लेकिन क्या थी, दुखी थी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सी सफर्ड इंसेसेंटली, सी सफर्ड मीन्स, सफर मीन्स होता है कष्ट उठाना या दुख उठाना। सी सफर्ड इंसेसेंटली मीन्स होता है लगातार, वह लगातार क्या कर रही थी, कष्ट उठा रही थी या दुख भोग रही थी या दुख उठा रही थी, वह लगातार क्या उठा रही थी, कष्ट उठा रही थी। आगे बढ़ते हैं, इंसेसेंटली मीन्स होता है लगातार। फीलिंग हरसेल्फ, अपने आप से महसूस करती थी, बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, कि वह जन्म ली हुई है, फॉर ऑल डेलिकेसीज मीन्स सभी, डेलिकेसी मीन्स होता है स्वादिष्ट भोजन, डेलिकेसी मीन्स होता है स्वादिष्ट भोजन, वह सभी स्वादिष्ट भोजन के लिए जन्म ली हुई है ऐसा वह महसूस करती थी, एंड लग्जरीज, और सभी विलासिता की चीजों के लिए वह जन्म ली हुई है, मीन्स वह महसूस करती थी, फीलिंग हरसेल्फ, वह स्वयं से महसूस करती थी, बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, वह सभी स्वादिष्ट भोजन के लिए जन्म ली हुई है, एंड लग्जरीज, और किसके लिए, विलासिता के चीजों के लिए जन्म ली हुई है। भैया सुंदर लड़की है तो का करेगी, ऐसा चाहेगी ना, तो वही बात है। सी सफर्ड फ्रॉम दी पॉवर्टी, वह गरीबी से दुख भोग रही थी, ऑफर अपार्टमेंट, अपने कमरे के गरीबी से वह दुख भोग रही थी। दी सैबी वाल्स, जो गंदे दीवाल थे उसके, जो घर के क्लर्क के घर की बात हो रही है, तो मीन्स क्लर्क का घर क्या होगा, बहुत अमीर तो घर होगा नहीं, तो उसके गंदी दीवाल मीन्स जो दीवालें थी ना, प्लास्टर दीवार उसकी नहीं थी, जहाँ सदिया हुई थी, तो उससे वह जो है दुख भोग रही थी। एंड वार्न चेयर्स, और जो उसके यहां कुर्सियों थी ना, वह जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, मीन्स टूटी मोटी कुर्सियां थी, तो इन सारी चीजों से वह क्या कर रही थी, दुख भोग रही थी। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, टॉर्चर्ड मीन्स होता है पीड़ित कर देना, टॉर्चर करती थी, ये सारी चीजें उसे टॉर्चर करती थी, पीड़ित कर देती थी, एंड एंगर्ड हर, और उसे क्रोधित कर देती थी, ये सारी चीजें उसे पीड़ित कर देती थी और क्रोधित कर देती थी। क्यों पीड़ित क्रोधित हो रही है, क्योंकि सोच रही है कि हम तो ऐश्वर्या राय है, लेकिन हमको मिला एकदम चमनचोर मिला हुआ है, इसका घर वही कुछ नहीं है, तो इसलिए का महसूस कर रही है, क्रोधित महसूस कर रही है, और अपने आप को टॉर्चर महसूस कर रही, पीड़ित महसूस कर
कर रही है। आगे देखते हैं आगे क्या है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." ध्यान देना pot pie. When she seated, फिर से देखना. When she seated, जब वह बैठी herself means स्वयं को. जब वह स्वयं से बैठी for dinner means रात्रि के भोजन के लिए. जब वह रात्रि के भोजन के लिए बैठी opposite means विपरीत दिशा में. विपरीत दिशा में ऑफ हर हस्बैंड मीन्स अपनी पति के विपरीत जब वह क्या की बैठी मीन्स विपरीत में तो समझ रहे हो जैसे कोई टेबल है टेबल की एक साइड हम बैठे हुए हैं दूसरे साइड वो सामने वाला कोई और बैठा हुआ है तो दोनों आमने सामने तभी होंगे ना सामने वाला हमारे विपरीत होगा तभी तो हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे मतलब बगल बगल में बैठ के नहीं खा रहे थे एक दूसरे के आमने सामने बैठ के खा रहे थे टेबल पर ठीक है तो वही बात है व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड जब वह रात्रि के भोजन के लिए अपने पति के सामने बैठी Who uncovered the tureen? जिसने तुरीन को क्या किया Uncovered किया means खोला अब तुरीन क्या होता है ये बात होती है जो ढक्कनदार बर्तन होता है उसे बोलते हैं तुरीन ढक्कनदार बर्तन जो होता है उसे बोलते हैं तुरीन तो उसने उस ढक्कन को क्या किया होगा खोला होगा तो वही बात है उसने तुरीन को क्या किया Uncover किया means खोला With a delighted air means प्रसन्न होकर के Delighted means होता है खुश होकर के खुश होकर के उसने तुरीन को क्या किया खोला अर्थात जो है ढक्कनदार बर्तन को खोला सेइंग यह कहती हुई क्या कहती हुई ओह द गुड पॉट पाई कि यह आज बहुत बढ़िया चीज बना है पॉट पाई में सब बर्तन में बनी हुई चीज अर्थात जो है चीज कर सकते हैं आज ये जो बना हुआ है बहुत बढ़िया बना हुआ है I know nothing better than that. मैं इससे बेहतर कुछ नहीं जानता हूँ मीन्स जो आज तुम बनाई हो मैं इससे बेहतर कुछ नहीं जानता हूँ She would think of the elegant dinners. आप देखो सी आ गया है सी मीन्स किसकी बात हो रही है यहाँ पर माटिल्डा की बात हो रही है मीन्स उसके मेहरारू की बात हो रही है तो इसमें क्या है सी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स वह सोच रही है ऑफ एलिजेंट डिनर्स एलिजेंट मीन्स होता है अत्युत्तम या श्रेष्ठ वह श्रेष्ठ डिनर के बारे में सोच रही है मीन्स रात्रि के भोजन श्रेष्ठ डिनर के बारे में सोच रही है आप शाइनिंग सिल्वर किसमें चमकते हुए चांदी के बर्तन में वह श्रेष्ठ डिनर के बारे में सोच रही है और डिनर किसमें हो चांदी के चमकते हुए चांदी के बर्तन में सी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड वह एकदम शानदार भोजन के बारे में सोचती है एक्सक्यूजिट मीन्स होता है शानदार वह एकदम शानदार भोजन के बारे में सोचती है सर्वड इन मर्वलस डिशेस जिसे सर्व किया जाए मीन्स परोसा जाए मर्वलस डिशेस मीन्स विभिन्न प्रकार के शानदार व्यंजनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के शानदार व्यंजनों के द्वारा जिसे क्या किया जाए परोसा जाए वह ऐसे जो है भोजन के बारे में क्या कर रही है सोच रही है अर्थात अपने पति को तो दे रही है भोजन और स्वयं भी भोजन कर रही होगी लेकिन जो है वह ऐसे भोजन के बारे में सोचती है जो क्या हो शानदार हो और किस बर्तन में हो चांदी के बर्तन में हो तो इन सारी चीजों के बारे में वह इमेजिनेशन कर रही है कल्पना कर रही है और इसी तरह से जब हम फालतू की इमेजिनेशन करते हैं ना जो हमारे पास नहीं चीजें होती हैं हम फालतू की इमेजिनेशन करते हैं तो जो है उसी में काम गड़बड़ होता है तो वही बात है आगे चलते हैं आगे देखते हैं सी हैड नाइदर फ्रॉक्स ना जेवल्स उसके पास न तो कोई फ्रॉक थे फ्रॉक मीन्स कपड़े कह सकते हैं फ्रॉक मीन्स क्या कहेंगे कपड़े कहेंगे अब फ्रॉक मीन्स आपको पता है जो छटवार लड़कियां पहनती हैं बच्ची लोग जो पहनती हैं जब छटवार होती हैं जब 7th या 5th या 6th तक बच्चियां होती हैं तो जो फ्रॉक पहनती हैं तो उसी को फ्रॉक बोलते हैं यहाँ फ्रॉक मीन्स हो जाएगा लेकिन कपड़ा हो जाएगा तो वही बात है सी हैड नाइदर फ्रॉक्स ना जेवल्स न तो उसके पास अच्छे कपड़े थे ना जेवल्स न तो जो है गहने थे नथिंग मीन्स कुछ नहीं था इन सब में कुछ भी नहीं था एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स और वह उन्हीं चीजों को क्या करती थी पसंद करती थी मीन्स वह उन्हीं चीजों को पसंद करती थी मीन्स उन्हें उसे जेवल्स चाहिए थे मीन्स गहने चाहिए थे और अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए थे वह इन्हीं चीजों को क्या करती थी पसंद करती थी आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं और दूसरे पैराग्राफ में चलने से पहले एक ही बात कहेंगे जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक कर देगा क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करेगा
ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना है, खास करके उन गरीब बच्चों तक जो कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सी हैड अ रिच फ्रेंड, उसके पास एक अमीर क्या थी, दोस्त थी। सी हैड मींस उसके पास थी, अ रिच फ्रेंड मींस एक अमीर दोस्त थी। अ स्कूलमेट, और वहां कहां की सहपाठी थी, स्कूलमेट मींस स्कूल की सहपाठी थी। एट द कॉन्वेंट मींस जो कॉन्वेंट स्कूल में उसकी क्या थी, सहपाठी थी। Who she did not like to visit, जहाँ वह जाना पसंद नहीं करती थी। Who she did not like, जिससे वह मिलना नहीं पसंद करती थी। Like to visit means वहाँ, means जिसके पास वह जाना पसंद नहीं करती थी। She suffered, वह कष्ट महसूस करती थी, उसे दर्द महसूस होता था, उसे दुख होता था। So much means अत्यधिक। When she returned, जब उसके पास से वह वापस आती थी, इसलिए नहीं जाना चाहती थी उसके पास, उस अमीर दोस्त के पास इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके यहाँ से जब वह वापस आती थी तो उसे दुख महसूस होता था, कष्ट महसूस होता था। सी वेप्ट फॉर होल डे, तो वह पूरे दिन रोती रहती थी। फ्रॉम डिस्पेयर मीन्स घृणा से या निराशा से, मीन्स घृणा या निराशा से वह पूरे दिन रोती रहती थी। एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराशा। वह निराशा और उदासी से अर्थात घृणा से पूरे दिन क्या करती रहती थी, रोती रहती थी जब वह अपने अमीर दोस्त के घर से आती थी। क्यों रोती रहती थी, क्योंकि उसकी अमीर, उसकी अमीरी देखकर किसी भी लगता होगा कि हम इतना सुंदर थे लेकिन हमारा ब्याह तो एकदम चमनचूर इंसान से हुआ, ये क्लर्क है, हमको खुशी ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसे क्या हो जाता था, दुख हो जाता था। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है, आगे है, आगे अभी इसी में है ही, यहां आगे है। वन इवनिंग, एक शाम, हर हस्बैंड मिस उसका पति रिटर्न मिस वापस आया। एक शाम उसका पति वापस आया, इलेटेड, इलेटेड मिस होता है प्रसन्न होकर के, मिस प्रफुल्लित होकर के, खुश होकर के। एक शाम उसका पति खुश होकर के वापस घर आया। बीरिंग इन हिज हैंड, अपने हाथ में लिया हुआ था। अ लार्ज इनवलप, एक लंबा लिफाफा, अपने हाथ में एक लंबे लिफाफे को लेकर के एक शाम उसका पति खुश होकर के घर पर वापस आया। फिर क्या कहता है, हियर मीन्स यहाँ, ही सेड वह कहा, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है। मीन्स लिफाफे में वह कुछ लिया हुआ था तो वह कह रहा हियर मीन्स यहाँ, ही सेड वह कहता है, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ क्या है, कुछ है। अब देखते हैं लिफाफे में काला दिया है जो इसके लिए दे रहा है बहुत खुश होकर के, तो चलो देखते हैं कौन सा चीज लाया हुआ है। सी क्विकली ड्रिव आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स, ध्यान देना। सी क्विकली, वह तेजी से, ड्रिव आउट मीन्स निकालना, वह तेजी से निकालता है, क्या निकालता है, अ प्रिंटेड कार्ड, प्रिंटेड कार्ड मीन्स होता है मुद्रित कार्ड, एक मुद्रित कार्ड वह निकालता है। ऑन विच, जिस पे इंस्क्राइब्ड मीन्स बताया गया था, व्याख्या किया गया था, अंकित था, क्या अंकित था, दीज वर्ड्स मीन्स ए शब्द, जिस पर ए शब्द अंकित थे। अब ए शब्द कौन कौन से शब्द हैं, नीचे दिया हुआ है, जल्दी से देखिए। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है शिक्षा मंत्री, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्री। एंड मैडम, और मैडम जॉर्ज, मैडम जॉर्ज क्या है आगे, मैडम जॉर्ज रामपोन, इसे कहेंगे रामपोन। तो और क्या लिखा हुआ है, मैडम जॉर्ज रामपोन, तो शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्ज रामपोन। आगे क्या है, आस्क द ऑनर ऑफ एम एन मिस्टेस लॉयल्स कंपनी, जिसने क्या किया हुआ है, मिस्टर एम और मिस्टेस लॉयल्स की कंपनी को आमंत्रित किया गया है। मंडे इवनिंग मीन्स मंडे शाम को, जनवरी 18 मीन्स 18 जनवरी को, एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर के आवास पर, मिनिस्टर के आवास पर क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है। मीन्स यहाँ पर क्या बात हो गई, शिक्षा मंत्री तथा मैडम जॉर्ज रामपोन मिस्टर तथा मिसेज लॉयल्स को मंत्री निवास पर सोमवार सायंकाल 18 जनवरी को क्या किया गया है, बुलाया गया है, मींस आमंत्रित किया गया है।
इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड मीन्स खुश होने के बजाय, तो इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, बीइंग डिलाइटेड मीन्स खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड जैसा कि उसका पति क्या किया हुआ था, होप किया हुआ था मीन्स आशा किया हुआ था, सी थ्रू द इन्विटेशन वह इस आमंत्रण पत्र को क्या कर देती है, फेंक देती है, स्पाइटफुली मीन्स घृणापूर्वक इस आमंत्रण को फेंक देती है, अपॉन द टेबल मीन्स टेबल पर मर्मरिंग मीन्स कुछ शब्द कहते हुए। अब ध्यान देना, फिर से देखना वो शब्द क्या है, आगे चलेंगे लेकिन फिर से देखना, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड मीन्स खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप जैसा कि उसका पति उम्मीद किया हुआ था वह खुश होने के बजाय, सी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली वह घृणापूर्वक जो है निमंत्रण पत्र को फेंक देती है, अपॉन द टेबल मींस टेबल पर वह घृणापूर्वक निमंत्रण पत्र को फेंक देती है, मर्मरिंग मींस धीरे धीमे आवाज में कह रही है मींस बड़बड़ा क्या रही है, व्हाट डू यू सपोज तुम क्या जानते हो, तुम क्या मानते हो, आई वॉन्ट विथ दैट मीन्स वह क्या बड़बड़ाई, मैं इस कार्ड को लेकर के करूं क्या, आई वॉन्ट विथ दैट, व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विथ That means मैं इस कार्ड को लेके करूंगी क्या, means मैं इसके साथ क्या करूंगी, अर्थात मैं इस कार्ड को लेकर के करूंगी क्या, तो क्योंकि इसे आमंत्रण दिया गया था कि इसके परिवार के साथ इसे भी आना है उस पार्टी में, मींस मंत्री के पार्टी में जाना है, तो उसे लिए जो है अब ये फेंक दी हुई है। अब इसके पीछे रीजन देखो काहे की फेंकी हुई है। तीसरा पैराग्राफ में चलते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, तीसरा पैराग्राफ क्या है, तीसरा पैराग्राफ है बट माई डियरी, देखो अपनी पत्नी को कैसे संबोधित कर रहा है, डियरी से संबोधित कर रहा है, मीन्स मेरी प्रिय, आई थॉट मैं सोचता हूँ, देखो पत्नी गुस्सिया गई है और एकदम बढ़िया से चूना लगा रहा है कि मेरी प्रिय, माई डियरी मीन्स मेरी प्रिय मेरी जान, क्या कहता है, आई थॉट मैं सोचता हूँ इट वुड मेक यू हैप्पी, यह तुम्हें क्या करेगा, प्रसन्न करेगा, खुश करेगा, मीन्स मैंने सोचा इससे तुम क्या हो जाओगी, प्रसन्न हो जाओगी, खुश हो जाओगी, यू नेबर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, मीन्स यू नेबर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज एन वकेजन, और यह एक अवसर है, एंड फाइन वन, और एक सुंदर अवसर है, यह एक सुंदर अवसर है तुम्हें कहाँ जाने के लिए, घर से बाहर जाने के लिए, एवरीबॉडी विशेष वन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति से चाहता है, मीन्स ये जो निमंत्रण मिला हुआ है इस निमंत्रण को प्रत्येक व्यक्ति चाहता था, एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, और यह कुछ ही लोगों को दिया गया है, और यह आमंत्रण बहुत सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव अर्थात कुछ ही लोगों को दिया गया है, नॉट मैनी गिवन टू एम्प्लॉयज, यहाँ तक बहुत सारे कर्मचारियों को भी नहीं दिया गया है, सेलेक्टिव के साथ साथ यहाँ तक कि बहुत सारे कर्मचारियों को भी यह निमंत्रण नहीं दिया गया है, यू विल सी द होल ऑफिस ऑफिशियल वर्ल्ड दियर, यू विल सी दी, तुम वहाँ देखोगी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड मीन्स पूरे ऑफिस के संसार के लोगों को, दियर मीन्स वहाँ, तुम वहाँ पर सभी ऑफिस गणों को क्या करोगी, आप अधिकारी गणों को क्या कर सकोगी, मिल सकोगी, मीन्स वहाँ पर तुम देखोगी, मीन्स वहाँ पर सभी ऑफिसियल आएंगे, अधिकारी गण आएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है, सी लुक्ड एट हिम, वह उसकी तरफ देखी, मीन्स जो है कौन उसकी तरफ देखी, मीन्स मार्टिल्डा जो है अपनी पति की तरफ देखी, मार्टिल्डा अपनी पति की तरफ देखी, देखो कैसे देख रही है, सी लुक्ड एट हिम, वह उसकी तरफ देखी विथ एन इरिटेटेड आई, इरिटेटेड मीन्स होता है एकदम चिढ़ी हुई आंखों के साथ, चिढ़ी हुई मतलब एकदम गुस्साई हुई आंखों के साथ वह देखी, एंड डिक्लेयर्ड और घोषणा की, इम्पेशेंटली मीन्स अधैर्यता के साथ उसने घोषणा की, पेशेंस मीन्स होता धैर्य, इम्पेशेंटली मीन्स अधैर्यता के साथ, और अधैर्यता के साथ उसने घोषणा की, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या सोचते हो, आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, मीन्स मैं वहां जाने के लिए पहनूंगी क्या, means what do you suppose I have to wear to such a thing as that, means आप क्या सोचते हैं कि पहनने के लिए मेरे पास कपड़े हैं,
मीन्स व्हाट डू यू सपोज, क्या आप सोचते हैं आई हैव टू वियर सच अ थिंग एज दैट, मीन्स वहां जाने के लिए मेरे पास कपड़े हैं, क्या तुम सोचते हो इस बात पर? सिर्फ मुंह उठा के कह दिए कि नहीं वहां चलना है, जब बहुत लोग पार्टी में आ रहे हैं, कपड़े वपड़े खरीद के दिए हुए हो, ये मेहरारू कर रही, आगे देखो क्या होता है। आगे प्यारे बच्चों, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ध्यान देना, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, उसने हकला करके बोला, मींस हकलाना, स्टैमर मींस होता है हकलाना, वह हकला करके बोला, मींस ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, इसने इसके बारे में सोचा ही नहीं, मींस कपड़े के बारे में वह बोला, मींस उसका पति बोला कि इसने इसके बारे में सोचा नहीं, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में नहीं सोचा, ही स्टैमर्ड, वह हकला करके बोला, वाई दी ड्रेस यू वियर वेन वी गो टू दी थिएटर, वाई क्यों नहीं दी ड्रेस यू वियर, तुम उस कपड़े को पहन लेती हो वेन वी गो टू दी थिएटर, जिस कपड़े को हम लोग जब थिएटर जाते हैं, तुम जो कपड़े पहनती हो वही कपड़े क्यों नहीं पहन लेती हो, मीन्स थिएटर मतलब मूवी देखने के लिए, जब ये लोग मूवी देखने के लिए जो कह रहा है, मीन्स उसका पति कह रहा है कि मूविया देखने के लिए जो कपड़वा पहन के चलती थी ना, वही कपड़वा क्यों नहीं पहन लेती हो, तो वही है, वाई दी ड्रेस यू वियर, क्यों तुम उस कपड़े को नहीं पहन लेती हो, When we go to the theater, जब हम जो है थिएटर देखने जाते हैं, तो तुम उस कपड़े को क्यों नहीं पहन लेती हो। आगे देखते हैं, It seems pretty to me, It seems very pretty to me, It seems means यह प्रतीत होता है, Very pretty to me means यह मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, यह बात कौन कर रहा है, उसका पति कर रहा है, वह तो मुझे क्या लगता है, बहुत सुंदर लगता है, कपड़ा जो तुम्हारा है, जो हम लोग मूवी देखने जाते हैं, तुम्हारा बहुत सुंदर लगता है। He was silent, वह एकदम साइलेंट हो गया, एकदम शांत हो गया, उसका पति अब एकदम शांत हो गया है। Stupefied, stupefied means एकदम भौचक्का रह गया, stupefied means होता है भौचक्का रह गया। In dismay, और एकदम निराश हो गया। At the sight of his wife weeping, जब उसने देखा कि उसकी पत्नी क्या करने लगी, रोने लगी। स्त्रियों का सबसे बड़ा हथियार रोना, तो वही बात है, जब उसने अपने पति को, अपनी पत्नी को देखा कि उसकी पत्नी रोने लगी, तो वह एकदम शांत हो गया, भौचक्का हो गया, और डिसमे मीन्स एकदम निराश हो गया। कब निराश हो गया, कब भौचक्का हो गया, कब शांत हो गया, जब उसने देखा कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, रो रही है। आगे देखते हैं, ही स्टैमर्ड, वह हकला करके बोला, व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है, आखिर बात क्या है, व्हाट इज द मैटर, आखिर बात क्या है, तुमको कपड़ा चाहिए तो चले कि कपड़ा दिला देते हैं, लेकिन काहे रो रही हो, वही बात है कि व्हाट इज द मैटर मींस क्या बात है। और वैसे भी बेचारी पत्नियां जो होती हैं, बेचारी घर पर जो है पूरे दिन रहती हैं, पूरा आपके लिए मेहनत करती हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें जो है थोड़ा बहुत बाहर लेके जाएं, उनके भी थोड़ा सा मन की चीज़ें कर दें। आप तो जाकर के बाहर पति लोग चले आते हैं, मौज मस्ती करके चले आते हैं, लेकिन जो पत्नियां बेचारी होती हैं, वो केवल घर की जिम्मेदारी देखती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी देखती हैं। एक ही आदमी को बच्चा पैदा करना हो ना, तो समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल काम होता है, एक लड़की का, एक स्त्री का कितना मुश्किल काम होता है, वो समझ जाएंगे। लेकिन वही बात ना कि बच्चा नहीं पैदा करना है ना, लड़का लोग जो है स्वतंत्र होते हैं, टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए कहते हैं ना बच्चियों की ज़िंदगी बहुत बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए उन्हें शिक्षित करना चाहिए, इसीलिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों में प्रायोरिटी देनी चाहिए, और इसीलिए शायद हमारे संविधान ने भी उन्हें जो है काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है अपने संविधान में। आगे चलते हैं, बाई एज वायलेंट इफर्ट, वायलेंट मीन्स होता है उग्र, इफर्ट मीन्स प्रयास, बाई अ वायलेंट इफर्ट मीन्स उग्र प्रयास के बाद, सी हैड कंट्रोल्ड, उसने अपने गुस्से को क्या किया, कंट्रोल किया, नियंत्रित कर किया, हर वैक्सेशन मीन्स अपनी खीज, अपनी परेशानी को, वैक्सेशन मीन्स अपनी खीज, खीज या परेशानी, उसने अपनी खीज या परेशानी को किसी तरह क्या किया, नियंत्रण किया जो है, हाँ, बाई अ वायलेंट इफर्ट मीन्स उग्र प्रयास के द्वारा, सी हैड कंट्रोल, उसने नियंत्रित किया, हर वैक्सेशन मीन्स अपनी खीज, अपनी परेशानी को वह नियंत्रण किया, किसने नियंत्रित किया, उसकी पत्नी ने नियंत्रित किया। एंड रिस्पॉन्डेड, और बोली इन अ काम वॉइस, एकदम शांत आवाज में, देखो कितनी बढ़िया पत्नी है, गुस्सा है तब वो जो है बोल रही है बहुत शांत आवाज में। एंड रिस्पॉन्डेड, और बोली बड़ी इन अ काम वॉइस मीन्स बहुत शांत आवाज में बोली,
वाइपिंग मॉइस्ट चिक्स, वाइपिंग मीन्स पोछते हुए, हर मॉइस्ट चिक्स मीन्स अपने जो मॉइस्ट मीन्स गीला हो गया था, चिक्स मीन्स गाल, अपने गीले गालों को पोछते हुए वह बोली नथिंग कुछ नहीं। जब वह पूछता है कि क्या बात है तो कहती है नथिंग मीन्स कुछ नहीं। यही होता है पत्नियाँ अपने मन की बात अपने मन में ही दबा लेती हैं। Only I have no dress, केवल बात इतनी है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, कोई पोशाक नहीं है। Consequently, और इसके परिणाम स्वरूप, I cannot go to this affair, मैं इस समारोह में नहीं जा सकती। अफेयर मीन्स होता है समारोह, और इसी की वजह से, इसी के परिणाम स्वरूप, consequently मीन्स होता है परिणाम स्वरूप, और इसके परिणाम स्वरूप I cannot go to the affair, मैं समारोह में, मैं उस समारोह में नहीं जा सकती हूँ। Give your card to some colleague, तुम इस कार्ड को किसी अपने सहकर्मी को दे दो। कलीग मीन्स होता है सहकर्मी, तुम किसी सहकर्मी को दे दो। Whose wife, जिसकी पत्नी, is better fitted out than I, मीन्स उसके पास अच्छे कपड़े हो। जिसके पास ऐसे अपने कलीग को दे दो यह निमंत्रण, जिसके पास जो है क्या हो, जिसकी पत्नी के पास जो है क्या हो, अच्छे कपड़े हो, उस कलीग को तुम इस निमंत्रण को क्या कर दो, दे दो। ये तो बहुत ही घोर बेइज्जती कर रही है, बेचारे पति की घोर बेइज्जती, ऐसे कैसे हो सकता है। He was grieved, अब वह क्या हो गया, दुखी हो गया। पति क्या हो गया, दुखी हो गया। He was grieved, वह दुखी हो गया। But answered, लेकिन उत्तर दिया, Let us see, चलो देखते हैं Matilda, चलो देखते हैं, How much would you suitable costume cost, कॉस्ट्यूम मीन्स होता है पोशाक, तुम्हारे पोशाक की कीमत कितनी हो सकती है, अर्थात जो तुम खरीदोगी कपड़ा, जो तुम खरीदोगी, अगर मान लो तुम्हारे लिए हम एक ही कपड़ा खरीद रहे हैं, तो पूछ रही है हाउ मच वुड यू सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, तुम्हारे लिए उपयुक्त कॉस्ट्यूम कॉस्ट क्या है, कॉस्ट्यूम की कीमत क्या होगी, कॉस्ट्यूम की कीमत क्या होगी, कॉस्ट्यूम की कीमत, उपयुक्त कॉस्ट्यूम की कीमत क्या होगी, पोशाक की कीमत क्या होगी। Something that would serve for other occasions, और ऐसा कुछ जो अन्य occasion means त्यौहार पर भी क्या कर दे, काम दे दे। Something very simple, कुछ बहुत साधारण सा, बहुत VIP तो नहीं ले सकते हैं, कुछ बहुत साधारण सा क्या होना चाहिए, होना चाहिए। आगे चलते हैं, She reflected, reflected means होता है विचार करना। She reflected, उसने विचार किया। For some seconds means कुछ सेकेंड उसने क्या किया, विचार किया। Thinking of some means उस जोड़ के बारे में सोच रही थी। That she could ask, जिसके बारे में पूछेगी, कहेगी। For without bringing with an immediate refusal, जिससे तुरंत मनाही ना हो सके। मीन्स वह समझ रही थी कि उसका पति हो सकता मना कर देगा, ज़्यादा मांग लेंगे, तो वह उस सम को सोच रही थी, उस जोड़ को समझ रही थी जो तुरंत मनाही ना हो सके, मीन्स जो उसका पति मना ना कर सके। And frightened, exclamation from the economical clerk, and frightened, और उसे भयभीत थी, मीन्स डर भी लग रहा था कि एक मितव्ययी क्लर्क कहीं डर न जाए, मीन्स उसका जो पति, एकदम कंजूस जो पति था, वो कहीं डर न जाए, इस बात को भी वह क्या कर रही थी, सोच रही थी। फाइनली, अंत में, सी सेड, वह कही, इन हेजिटेटिंग वॉइस, हेजिटेटिंग मीन्स हिचकिचाना, हिचकिचाना मीन्स कोई बात कहें या ना कहें, इस स्थिति में जब हम आते हैं तो उसे कहते हैं हेजिटेट होना, मीन्स हिचकिचाना। तो देखो पत्नी कितनी सहनशील है, कह रही है फिर भी हिचकिचा के कह रही है, अगर ढंग की मेरारू मिली होती ना, मतलब ये थोड़ा सा चाऊ पाऊ रही होती ना, तो इन्हें सुधार दी होती, बेचारी देखो कितनी सीधी है। तो क्या कर रही है, फाइनली सी सेड, वह अंत में कहती है, इन हेजिटेटिंग वॉइस, मीन्स हिचकिचाते हुए आवाज में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं सही सही तो नहीं बता सकती हूँ, बट इट सीम्स, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, टू मीन्स मेरे लिए, दैट 400 फ्रेंक्स आर टू कवर इट, मीन्स 400 फ्रेंक जो है, फ्रेंक मुद्रा है, 400 फ्रेंक मुद्रा में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मीन्स मैं सोचती हूँ, मुझे क्या लगता है, 400 फ्रेंक में उचित पोशाक क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो उसने कितने की डिमांड की, 400 फ्रेंक की डिमांड की। आगे देखते हैं,
ही टर्न्ड, आगे क्या है, एक मिनट थोड़ा सा यहां से, ही टर्न्ड अ लिटिल पेल फॉर अ हेड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन दैट माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। अब ध्यान देना, ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वह थोड़ा सा क्या हो गया, उसका रंग क्या हो गया, थोड़ा सा पीला पड़ गया। मीन्स जब उसने सुना कि 400 फ्रैंक जो है हमारी मेहरारू मांग रही है, तो ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, तो उसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया। पेल मीन्स होता है पीला पड़ जाना, पेल मीन्स होता है पीला, तो उसका चेहरा क्या हो गया, थोड़ा सा पीला पड़ गया। फार ही हैड सेव्ड, क्योंकि वह बचा के रखा था जस्ट दी सम, इसी मात्रा को, टू बाई अ गन मीन्स एक बंदूक खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, जिससे वह कुछ शिकारी पार्टी को ज्वाइन कर सके दी नेक्स्ट समर मीन्स अगले समर में, विथ फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, जो लार्क पक्षी को संडे को मारने का लोग का क्या था, प्लान था। मिस फिर से देखो, उसका रंग कुछ पीला पड़ गया क्योंकि उसने यह धनराशि एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखी थी, ताकि वह अगली गर्मी में शिकारी दल के मित्रों के साथ शामिल होकर के लार्क पक्षी के शिकार पर क्या करे, शिकार पर संडे को क्या कर सके, जा सके। तो इसलिए उसने इस सम को क्या किया हुआ था, बचा करके क्या हुआ, रखा हुआ था। Nevertheless, फिर भी, he answered, उसने उत्तर दिया, उसने फिर भी जो है, तथापि उसने क्या किया, उत्तर दिया, means फिर भी उसने उत्तर दिया, very well means ठीक है, I will give you your 400 फ्रेंसिस, मैं तुम्हें कितना दूंगा, 400 फ्रैंक मुद्रा मैं तुम्हें दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, लेकिन एक सुंदर कपड़ा लेने की कोशिश करना, लेकिन जो तुम ड्रेस लेना, वह ड्रेस कैसी होनी चाहिए, प्रीटी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। वही कहता है कि एक अच्छी ड्रेस खरीदने की क्या करना, कोशिश करना। तो प्यारे बच्चों, चौथा पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है, हम लोग पांचवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा पैराग्राफ क्या है। और पांचवें पैराग्राफ पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करें। और आपको यदि मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर जो है आप डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, पांचवें पैराग्राफ में देखिए, यही है जो है, ये उसके पति हैं, देखो कितनी सुंदर सी पत्नी दिख रही है, सुंदर सी पत्नी है ना, तो यही है उसकी पत्नी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं पांचवें पैराग्राफ में, चलते हैं देखते हैं पांचवा पैराग्राफ क्या है, द डे ऑफ द बाल अप्रोच्ड, यही है ना, हाँ अभी हाँ, द डे मीन्स दिन, आप बाल अप्रोच्ड, बाल मीन्स होता है नृत्य, यहां बाल मीन्स गेद भी होता है, गेद क्या होता है, गोला गोला होता है, गेद क्या होती है, गोल गोल होती है, गोल गोल, और नृत्य में भी क्या होता है, गोल गोल नाचते हैं, तो वही बात है। The day of the ball approached means नृत्य समारोह का क्या हो गया, दिन आ गया, approached means आ गया, जो नृत्य समारोह का दिन था, means जो मिनिस्टर के यहाँ जाना था, मंत्री के यहाँ जो जाना था, वह दिन आ गया। एंड मैडम लायलेस सीम्ड सैड, मिस्टर मैडम लायलेस क्या दिख रही थी, सीम्ड सैड means दुखी प्रतीत हो रही थी, Disturbed और कैसी प्रतीत हो रही थी, एकदम परेशान प्रतीत हो रही थी, एंजस और चिंतित थे, मींस मिसेस लायलेस, अब जो है उसकी पत्नी का नाम क्या बुलाया जा रहा है, मिसेस लायलेस बुलाया जा रहा है, अभी तक मार्टिल्डा था, अब जो है मिसेस लायलेस उसे बुलाया जा रहा है, तो बात ध्यान देना, तो क्या दिया हुआ है, हाँ, मिसेस लायलेस सीम्ड सैड, दुखी प्रतीत हो रही थी, डिस्टर्ब्ड मींस परेशान थी, एंजस मींस चिंतित थी, मतलब फिर कोनो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, अभी तक तो ड्रेस के लिए कह रही थी कि हमारे पास कोनो ड्रेस नहीं है, अब देखो फिर परेशान हो गई है, ई कौन बात, ई कौन सा जो है हुआ, अब देखते हैं काहे परेशान है अब। Nevertheless, her dress was nearly ready, लगभग जो है उसके ड्रेस क्या हो गए थे,
पूरी तरह से रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। मिस 400 फ्रैंक का जो उसने ड्रेस लिया हुआ था वह लगभग तैयार हो गया था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने एक शाम को उससे कहा, व्हाट इज द मैटर, आखिर मामला क्या है विथ यू, मीन्स आपके साथ, मीन्स तुम्हारे साथ, आखिर तुम्हारे साथ मामला क्या है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली, तुम जो है व्यवहार कर रही हो विचित्र ढंग से व्यवहार कर रही हो, फॉर टू आर थ्री डेज, मीन्स दो या तीन दिनों से तुम दो या तीन दिनों से क्या कर रही हो, विचित्र सा व्यवहार कर रही हो। स्ट्रेंजली मीन्स होता है विचित्र सा, फॉर टू आर थ्री डेज मीन्स दो या तीन दिनों से, तुम दो या तीन दिनों से विचित्र सा व्यवहार कर रही हो, आखिर मामला है क्या। एंड सी रिस्पॉन्डेड, उसने उत्तर दिया, आई एम वेक्स्ड, मैं परेशान हूं। क्या उत्तर देती है मेरा रुका उत्तर देती है, आई एम वेक्स्ड, मैं क्या हूं, परेशान हूं। नॉट टू हैव अ जेवल, मेरे पास कोई गहने नहीं है, मैं इस बात से परेशान हूं कि मेरे पास कोई गहने नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ, कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपने आप को एडॉर्न कर सकूं, मीन्स सुसज्जित कर सकूं, मीन्स मेरे पास ऐसे कुछ भी गहने नहीं है जिससे मैं क्या कर सकूं, अपने आप को सुसज्जित कर सकूं। एडॉर्न मीन्स होता है सुसज्जित करना। I shall have such a poverty-stricken look, means I shall have such a poverty-stricken look, उसने मुझे कैसे, उसने शक्ल अपनी कैसे बना लिखी थी, एक गरीबों वाली उसने शक्ल बना के रखी हुई थी, मतलब एक शक्ल उसकी कैसे हो गई थी, एकदम गरीबों वाली शक्ल दिखा रही थी। I would prefer not to go to this party, और इससे मैं अच्छा है कि मैं जो है पार्टी में ना जाऊं, मैं प्रीफर करूं, I would prefer, मैं प्रीफर करूं not to go to this party, कि इस पार्टी में मैं ना जाऊं। अब देखो ड्रेस सिलवा ली, कपड़ा सिलवा लिया, कह रही का पार्टी में ना जाऊं, इसका अंदरवा से मन है पार्टी में जाने का, लेकिन वो गहनवा खरीदने के चक्कर में जो है सोच रही का हम जो है पार्टी का इसे बहाना बनाएंगे तो हम गहना भी खरीद देंगे। तो आगे देखते हैं क्या हुआ कि वो गहनवा खरीदता है कि नहीं खरीदता है। आगे हम लोग देखते हैं, ही रिप्लाइड, मीन्स उसका हस्बैंड उत्तर देता है, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूलों को क्या कर सकती हो, लगा सकती हो। पहले देखोगे आप लोग तो पहले लोग बलवा में गजरा वजरा लगाते थे, गजरा लगाते थे तो गजरवा में क्या होता तो फूल उल लगा रहता था, तो पहले वाले जमाने की बात हो रही है। तो वही बात है यहाँ पर क्या है, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ जो है प्राकृतिक फूलों को लगा सकती हो। इन दिस सीजन मीन्स इस समय, इस मौसम में, दे लुक वेरी चिक मीन्स वे बहुत सुंदर लगेंगे, और इस मौसम में बहुत चिक लगेंगे, चिक मीन्स बहुत सुंदर लगेंगे, फुलवा लुआ बहुत सुंदर लगेगा। देखो बेवकूफ़ बना रहे, यहू कम नहीं है, यहू एकदम बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। She was not convinced, लेकिन वह उसकी बात से सहमत नहीं हुई, convinced मीन्स होता है सहमत, She was not convinced, वह उसकी बात से सहमत नहीं हुई, मतलब बेवकूफ नहीं बना पाया अपने मेहरारू को। No, she replied, उसने उत्तर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, There is nothing more humiliating, मीन्स इससे अपमानजनक कुछ नहीं होगा, than to have a shabby air, मीन्स एक बुरा मीन्स खराब स्थिति हो, in the midst of rich women, मीन्स उन धनी स्त्रियों के बीच में, उन धनी स्त्रियों के बीच में मैं खराब बनूं, बुरी बनूं, मीन्स एक खराब स्थिति में रहूं, यह मुझे पसंद नहीं है, यह क्या है, humiliating है, मीन्स अपमानजनक है। आगे देखते हैं, आगे है, देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके पति ने क्राइड आउट मीन्स बोला, क्या बोला, हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम भी कितने मूर्ख हैं, मीन्स दोनों लोग को कहता है, अपनों आपको कहता है और अपनी मेहरू को कहता है, मीन्स अपनी पत्नी को भी कहता है कि हम दोनों कितने मूर्ख हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, हम दोनों कितने मूर्ख हैं, गो मीन्स जाओ, एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, और अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ, एंड आस्क हर, और उससे कहो, टू लेंड मिस उधार दे दे, यू मिस तुम्हें हर जेवल्स मिस अपने जेवर मिस गहने, और जाओ अपनी मित्र जो है, जो तुम्हारी एक सहेली है मिस मैडम फॉरेस्टियर, तुम उससे जाओ और जो है कोई गहने क्या कर ले लो, उधार ले लो। मीन्स यह बात कौन कहता है, उसका पति कहता है कि तुम अपने दोस्त
फॉरेस्टियर के पास जाओ और जो है वहां से गहने क्या कर लो, उधार ले लो। आगे चलते हैं, छठे पैराग्राफ पे चलते हैं। देखते हैं छठा पैराग्राफ क्या है। पांचवा पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ, छठे पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ रही है। सी अटर्ड क्राई ऑफ जॉय, वह भी बोली। अटर्ड मीन्स बोलना, क्राई ऑफ जॉय मीन्स खुशी के साथ वह भी उछल करके बोली। इट्स ट्रू, हाँ यह भी बात सही है। सी सेड, वह कहती है, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं, मीन्स सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वह अपने आप को लेके गई, मीन्स दोस्त के घर पर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने अपनी कष्ट भरी कहानी उससे क्या की, सुना दी। डिस्ट्रेस मीन्स कष्ट भरी, उसने अपनी कष्ट भरी कहानी उसे सुनाई। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, क्लोजेट मीन्स होता है अलमारी। मैडम फॉरेस्टियर अपने अलमारी के पास गई। टुक आउट अ लार्ज जेवल केस, और एक लंबे गहने के डिब्बे को लाई, हाँ ब्राट इट, इसे लाई, ओपेंड इट, इसे खोली, एंड सेड, और कही, चूज माई डियर, मीन्स इनमें से किसी एक को क्या कर लो, चूज कर लो। माई डियर मीन्स मेरी प्रिय, मेरी प्रिय, इसमें से किसी एक का क्या कर लो, चुनाव कर लो। मीन्स किसी का भी क्या कर सकती हो, चुनाव कर सकती हो। वह बॉक्स ला करके क्या कर देती है, रख देती है उसके सामने। आगे देखते हैं। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने शुरुआत में क्या देखे, कुछ ब्रेसलेट्स देखे, मीन्स कंगन देखे। उसने शुरुआत में कुछ कंगन देखे, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर उसने जो है मोतियों का एक हार देखा। कॉलर मीन्स पट्टा, पट्टा मीन्स हार, फिर मोतियों का एक हार देखा। देन अ वेनिसियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर उसने एक वेनिस का जो है स्वर्ण का क्रॉस देखा। एंड जेवल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और अच्छी कारीगरी की हुई सराहनी, उसने जो है कुछ गहने देखे। सी ट्राइड, उसने कोशिश किया, दी जेवल्स मीन्स गहने, बिफोर दी ग्लास मीन्स सी ट्राइड, मीन्स उसने चेक किया, ट्राइड मीन्स क्या कहेंगे, चेक करना। उसने चेक किया दी जेवल्स मीन्स गहने को, बिफोर दी ग्लास मीन्स दर्पण के सामने, मीन्स दर्पण के सामने, मीन्स शीशे के सामने वह जो है उन गहने को क्या की हुई है, चेक की, मीन्स पहन पहन करके चेक करी थी, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। हेजिटेटेड, हिचकिचाई, बट कुड नाइदर डिसाइड, लेकिन निर्णय नहीं ले पाई, टू टेक देम आर लिव देम, मीन्स उनमें से जो है उसे टेक देम मीन्स ले ले, आर लिव देम या फिर छोड़ दे, ऐसा कुछ उसने डिसाइड नहीं कर पाया। देन सी आस्क्ड, फिर उसके बाद उसने पूछा, हैव यू एनीथिंग, नथिंग मोर, हैव यू नथिंग मोर, क्या इससे और अधिक है, मीन्स हैव यू नथिंग मोर, मीन्स जो है क्या इससे और अधिक कोई आभूषण तुम्हारे पास है। आगे देखते हैं, वाई, क्यों, यस, हाँ, जब वह कहती कि क्या इससे अधिक तुम्हारे पास आभूषण है, और तो वह कहती है क्यों, हाँ है, यस मीन्स है। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम स्वयं देख लो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, वट विल प्लीज यू, तुम्हें कौन सी चीज पसंद करेगी, मीन्स तुम्हें कौन सी चीज अच्छे लगेगी, पसंद लगेगी, मुझे नहीं पता, इसलिए तुम क्या कर लो, स्वयं देख लो, मैं गहने को लेते आ रही हूं, तुम उसे क्या कर लो, स्वयं देख लो। आगे चलते हैं। सडनली, अचानक, सी डिस्कवर्ड, वह खोजी, मीन्स वह पाई, इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक काले साटन के बॉक्स में वह पाई, अ सुपर्ब नेकलेस, एक बहुत सुंदर सा नेकलेस पाई, आप डायमंड्स, किसका बना हुआ था, हीरे का बना हुआ एक सुंदर सा नेकलेस पाई, हार पाई। हर हैंड्स ट्रम्बल्ड, उसके हाथ कांप रहे थे, एज सी टुक इट आउट, जैसे वह बाहर निकाल रही थी, जैसे वह उस हार को बाहर निकाल रही थी, उसके हाथ क्या हो रहे थे, कांप रहे थे। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, इसे उसने अपने गले पर पहना, अगेंस्ट हर ड्रेस मीन्स उस ड्रेस के अगेंस्ट, उसने उस हार को अपने गले पर पहना। एंड वाज एक्सटेटिक, और क्या हो गई, खुश हो गई, और जो है क्या हो गई, खुश हो गई।
देन सी आज फिर वह कहती है इन अ हेजिटेटिंग वॉयस, मीन्स थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ वह पूछती है, फुल ऑफ एंजाइटी मीन्स पूरी चिंता के साथ, पूरी चिंता के साथ पूछती है, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे इसे उधार पर दे सकती हो, ओनली दिस केवल ये, क्या तुम केवल यही मुझे उधार दे सकती हो, वाई क्यों, यस मिस हाँ सर्टेनली मिस निश्चित रूप से, हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ, वह कहती है मिसेस फ्रंटियर क्या कहती है कि बिल्कुल दे सकती हूँ। तो प्यारे बच्चों ये आपका था छठा पैराग्राफ था, हम लोग चलेंगे सातवें पैराग्राफ की तरफ, अब बढ़ते हैं देखते हैं सातवां पैराग्राफ क्या है। सातवां पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, सी फेल अपान दी नेक ऑफ हर फ्रेंड, ध्यान देना सी फेल अपान, फेल अपान मीन्स लग जाना, फेल अपान मीन्स लग जाना, दी नेक मीन्स गले, ऑफ हर फ्रेंड मीन्स अपने दोस्त के, वह अपने दोस्त के गले लग जाती है, इम्प्रेस्ड हर उसे क्या करती है आलिंगन करती है, इम्प्रेस मीन्स होता है गले लगा लेना, लगा लेना मीन्स आलिंगन करना, विथ पैशन मीन्स उत्साह के साथ, उत्साह के साथ उसे गले लगा लेती है, देन वेंट अवे फिर चली जाती है, विथ हर ट्रीजर मीन्स अपने खजाने के साथ, और फिर वह अपने खजाने के साथ क्या हो जाती है चली जाती है। अब उसका खजाने नहीं है अर्थात जो वह गहना ली हुई है, हार लिया हुआ है, डायमंड की जो उसने नेकलेस लिए हुए हैं उसको लेकर के वह क्या कर जाती है वहां से चली जाती है। The day of the ball arrived, मीन्स नृत्य समारोह का दिन क्या हो गया आ गया, मैडम लाइलेस वॉज ग्रेट सक्सेस, मैडम लाइलेस अत्यधिक सफल हुई, मीन्स अत्यधिक सफल हुई मीन्स उनकी लोग प्रशंसा किए, सी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, वह सभी लोग वहां पर जितने थे मीन्स जितने वहां पर आए हुए थे सभी में सबसे सुंदर थी, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया प्रीटीएस्ट, द प्रीटीएस्ट का प्रयोग किया मीन्स सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का तभी प्रयोग करते हैं जब सब में जो है बेहतरीन हो, मीन्स जितने लोग वहां पर आए थे सी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, वह उन सभी से सुंदर थी, मतलब सुंदरता इसमें कूट कूट के भरी हुई थी, तभी तो कह रही थी कि हम क्लर्कियां से कहां से पैदा हो गए ब्याह कर लिए, हमको तो कोनो अमीर उमीर लड़का मिलना चाहिए था जो इतना सुंदर बीबी पाता, तो वही कह रही है यही है यहां पर, सी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, वह सभी लोगों में सुंदर थी, इलिजेंट मोहक थी, ग्रेसियस रमणी थी, स्माइलिंग मुस्कुरा रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय पूरी खुशी के साथ पूरे खुशी के साथ वह क्या कर रही थी मुस्कुरा रही थी, ऑल द मेन नोटिस्ड हर सभी व्यक्ति उसे देख रहे थे, मेन मीन्स पुरुष लोग, सभी पुरुष लोग उसको देख रहे थे, ताक रहे थे, झांक रहे थे, कितनी बढ़िया मेहरारू है, आफ्टर हर नेम उसके नाम पूछ रहे थे, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड और उसके सामने उपस्थित होना चाहते थे, मीन्स उससे बातें करना चाहते थे, प्रेजेंटेड मीन्स बातें करना, उससे बातें करना चाहते थे, उससे दोस्ती करना चाहते थे कि ठीक है इसको लाइनिया ले हम लाइन मान ले जो है इतनी सुंदर जो है। सी डांस्ड विथ एंथुसियाज्म, वह उत्साह के साथ क्या की डांस की मीन्स नृत्य की, वह पूरे उत्साह के साथ नृत्य की, इंटॉक्सिकेटेड पूरा मदहोश थी, विथ प्लेजर मीन्स आनंद के साथ खुशी के साथ पूरी तरह से मदहोश थी, थिंकिंग ऑफ नथिंग वह कुछ भी नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमायरेशन वह पूरी एडमायरेशन मीन्स जो उसकी प्रशंसा हुई थी वह केवल उसी के बारे में सोच रही थी और कुछ भी नहीं सोच रही थी, दी विक्ट्री उसकी जो विजय हुई थी सो कंप्लीट मीन्स पूर्ण रूप में जो उसकी विजय हुई थी उसके बारे में सोच रही थी, एंड स्वीट टू हर हर्ट यह उसके हृदय को सुनने में क्या लग रहा था बहुत अच्छा लग रहा था, इसी को वह क्या कर रही थी सोच रही थी। आगे चलते हैं, सी वेंट होम वह घर गई टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, मीन्स वह घर सुबह 4 बजे गई, मीन्स पार्टी वार्टी जो है रतिया भर चली, खूब जो है डांस वांस की, उसके बाद जो है सी वेंट होम वह घर गई टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, मीन्स सुबह वह 4 बजे घर गई, घर पहुंची, हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एज अ स्लीप, उसके पति सो गए थे,
आप दी लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट मींस मध्य रात्रि में नृत्य कक्ष में, सैलून मींस नृत्य कक्ष, नृत्य कक्ष में जो है क्या हो गए थे, सो गए थे विथ थ्री अदर जेंटलमैन मींस उनके साथ तीन सज्जन व्यक्ति भी सोए थे, हुज वीव्स जिनकी पत्नियां वर इंजॉइंग मींस आनंद उठा रही थी देमसेल्फ मींस उसके साथ बेरीमच मींस बहुत अधिक, जिसके जो तीन वहां पर और सोए हुए थे उनकी पत्नियां मेरे साथ क्या कर रही थी, मजे कर रही थी, अर्थात ही बीबी लोग वहां डांस कर रही हैं और इनके तीनों के चारों को हस्बैंड जो है कमरे में सो रहे हैं एकदम आराम से, बीबी डांस कर रही कमरे में सो रहे हैं। पता चला बीबिया को कौनो और पटा लिए ना तो कुल सोना इनका जो है चला जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, सो रहे थे और बीबी लोग क्या कर रही थी, डांस कर रही थी और चार बजे तक भोररिया चार बजे तक डांस चला है, मतलब एकदम खूब डांस की हुई है, जितना फ्रस्ट्रेशन था ना कुल फ्रस्ट्रेशन डांस में निकाल ली हुई है। तो आगे चलते हैं, He threw around her shoulders the modest wraps they had carried. ध्यान देना, he threw उसने डाला around her shoulders means उसके कंधों के चारों ओर, उसके कंधों के चारों ओर उसने डाला the modest means साधारण, wraps means दुपट्टा, एक साधारण दुपट्टा उसके कंधे के चारों ओर डाल दिया उसने। तो देखो पति की कितनी कदर है उसको, मीन्स जब वह आई चार बजे चलने के लिए घर चलती हैं तो पति उठा, वह दुपट्टा जो सी ही करीड जो उसने दुपट्टा लाया हुआ था वह उसके कंधे के चारों तरफ डाल दिया ताकि उसे ठंड न लगे, ठीक है। हाँ, हुज पॉवर्टी क्लैश्ड जिसकी गरीबी मेल नहीं खाती थी विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम्स, जो वह सुंदर जो है नृत्य का जो पोशाक पहनी हुई थी, कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, उस कॉस्ट्यूम में जो है यह दुपट्टा सुंदर लग नहीं रहा था। सी विस्ड उसने इच्छा किया टू हरी अवे मीन्स तेजी से चले जाने के लिए इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड कि कोई उसे देख ना पाए बाई अदर वूमेन मीन्स कोई अदर मीन्स दूसरी स्त्री उसे देख ना पाए, इसलिए वह तेजी से चली गई। हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रीच फर्स हु वर रैपिंग देमसेल्फ जो अपने आप को रैप की हुई है, लपेटी की ली हुई है इन रीच फर्स मीन्स महंगे महंगे फर में जो अपने आप को लपेटी हुई है, वो स्त्री उसे देख ना पाए इसलिए वह तेजी से क्या हो गई, घर की तरफ चल दी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं आठवें पैराग्राफ पर, देखते हैं आठवां पैराग्राफ क्या है। आठवां है लाइलेस डिटेन्ड हर, लाइलेस ने उसे क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, रोक लिया। वेट मींस रुको, सेड ही वह कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं क्या बुलाने जा रहा हूँ, कैब बुलाने जा रहा हूँ मीन्स गाड़ी बुलाने जा रहा हूँ, तुम थोड़ा सा रुक जाओ। मीन्स लाइलेस डिटेन्ड हर, लाइलेस ने क्या किया, उसे रोका, किसे रोका, मीन्स अपनी पत्नी को रोका और कहा क्या, वेट मीन्स रुको, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक कैब मीन्स गाड़ी को बुलाने जा रहा हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन, वह लेकिन सुनी नहीं, बट सी वुड नॉट लिसन, वह सुनी नहीं, एंड डिसेंडेड स्टेप्स रैपिडली, और तेजी से वह सीढ़ियों से क्या हुई, उतरी, रैपिडली मीन्स होता है तेजी से, स्टेप मीन्स सीढ़ी, डिसेंडेड मीन्स नीचे उतरना, वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी। When they were in this state, जब वे कहाँ पर पहुँचे, सड़क पर पहुँचे थे, they found no carriage, वे कोई गाड़ी नहीं पाए, and they began to seek for one, वह एक गाड़ी की तलाश करने लगे, hailing the coachman, जो है कोचमैन को उन्होंने बुलाया, उस कोचमैन मीन्स घोड़ा गाड़ी वाले को उन्होंने बुलाया, whom they saw at a distance, जिसे वह दूर से क्या किए थे, सा किए हुए थे, देखे हुए थे, उस कोचमैन को क्या किया, बुलाया। They walked along toward the river, वह साथ साथ नदियों पर चले, होपलेस मीन्स निराश होकर के, शिवरिंग मीन्स कांपते हुए, अब ठंडी का मौसम है कांपेंगे नहीं। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरिजेस, अंत में वह एक गाड़ी को, उन पुरानी गाड़ियों में एक गाड़ी को पाए, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जिसे देखा जा सकता है आफ्टर नाइटफॉल मीन्स रात्रि के बाद, मीन्स वे ऐसी गाड़ी पाए जो रात्रि में ही चलती थी, अर्थात रात्रि में ही उसे देखा जा सकता था पेरिस में। आगे चलते हैं
इट टूक देम एज फार एज दियर डोर, यह उसे उसके दरवाजे पर लेके गई, एंड दे वेंट वियरली अप टू दियर अपार्टमेंट, और वे थके होकर के अपने अपार्टमेंट में पहुँचे, मीन्स अपने कमरे में थक करके वे पहुँचे। It was all over, अब सब कुछ समाप्त हो गया था, फार हर मीन्स उसके लिए अब सब कुछ समाप्त हो गया था, मीन्स उसके लिए किसकी बात हो रही है, उसकी पत्नी की बात हो रही है, मीन्स उसके पत्नी के लिए अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, मीन्स अपनी भूमिका वह याद करती है, ही रिमेंबर्ड, वह याद करती है, दैट ही वुड हैव टू बी दी ऑफिस बाई 10 o'clock, कि उन्हें 10 बजे की कहाँ पहुँचना है, ऑफिस जाना है 10 बजे ऑफिस जाना है। लोग 4-5 बजे सुबह आए हैं, अब वह उस बारे में सोच रही है कि ऑफिस जाना होगा तो इन्हें खाना वाना बनाना होगा, तो वह अपने गृहकार्य के बारे में सोचना क्या कर दी, शुरू कर दी। सी रिमूव दी रैप्स, उसने क्या हटाया, दुपट्टे को हटाया, रैप मीन्स दुपट्टा, उसने दुपट्टे को हटाया फ्रॉम हर शोल्डर्स, मीन्स अपने कंधे से उसने दुपट्टे को हटाया, बिफोर दी ग्लास, मीन्स कांच के सामने मीन्स शीशे के सामने उसने अपने कंधे से दुपट्टे को हटाया। फॉर अ फाइनल व्यू, अपना अंतिम व्यू देखने के लिए, मीन्स दृश्य देखने के लिए, ऑफ हरसेल्फ इन दी ग्लोरी, मीन्स अपने शान के दृश्य को देखने के लिए उसने जो है क्या किया, दुपट्टे को कंधे से हटाया, मतलब जो है अभी इतना तो सजी धजी है, एक बार खुद देख करके संतुष्ट हो जाए कि नहीं हम अब अच्छा लग रहे हैं, तो इसलिए उसने सोचा कि एक बार देख लें जो है अपने आप को, फिर कपड़ा निकालें, एक बार देख करके संतुष्ट हो जाएं कि नहीं हम बहुत सुंदर लग रहे थे, फिर उसके बाद कपड़ा वपड़ा निकालें, चेंज करें। सडनली सी अटर्ड अ क्राई, अचानक वह तेजी चिल्लाहट के साथ बोली, क्या बोली, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, कि उसका हार उसके गले पर नहीं है, वह तेजी के साथ चिल्लाई, क्या उसके गले में उसका हार नहीं है, मीन्स उसका हार खो गया है, जो उसका डायमंड का हार उधार ली हुई थी, वो डायमंड का हार खो चुका है, बहुत बड़ी दुख भरी बात आ गई है। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं 9वें पैराग्राफ में, फिर हम लोग कहानी जानेंगे कि अब तो हार खो गया है, अब देखो का होता है, आगे देखो। लाइल इज ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लाइल इज ने ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड अपने आधे कपड़े उतार चुके हुए थे, आस्क मीन्स पूछा, व्हाट इज द मैटर, आखिर मामला क्या है, तुम जो नरिया रही हो, जो तुम चिल्ला रही हो, आखिर बतिया क्या है, हम कपड़ा उतार रहे हैं तो कपड़ों को नहीं उतारने दोगी। सी टर्न्स टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वह जो है उत्तेजित होकर के उसकी तरफ मुड़ी, आई हैव मेरे पास था, नो लॉन्गर हैव, अब मेरे पास नहीं है, मैडम फॉरेस्टियर का हार अब मेरे पास नहीं है। ही इरोज इन डिसमे, वह हताशा के साथ इरोज मिस उठता है, वट क्या, हाउ इज दैट, ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं हो सकता है, यह कैसे हो गया, यह संभव नहीं हो सकता है। मिस उसका पति उठता है और जो है पूरे आश्चर्य के साथ बोलता है, पूरी हताशा निराशा के साथ बोलता है, वट क्या, हाउ इज दैट, यह कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। एंड दे लुकड इन दी फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और वे देखते हैं, फोल्ड मीन्स होता है लपेटन, जो कपड़े को लपेट करके रख देते हैं, चौपत करके, जिससे नहीं कहता चौपत का कपड़वा रख देना कहते हैं ना, तो मतलब लपेटन, वैसी क्या, वह लपेटन में चेक करते हैं, पोशाक के लपेटन में चेक करते हैं, इन दी फोल्ड ऑफ दी क्लॉक मीन्स लबादा के लपेटन में चेक करते हैं, इन दी पॉकेट्स मीन्स अपनी जेबों में चेक करते हैं, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह चेक करते हैं, वे लोग सभी जगह हार को चेक करते हैं, दे कुड नॉट फाइंड इट, वे इसे पाए नहीं, मैं सभी जगह उन्होंने चेक किया लेकिन वे उसे पाए नहीं। एंड दे लुकड इन दी फोल्ड ऑफ दिस ड्रेस, ये तो हो गया, ही आस्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट, तुम निश्चित हो कि तुम्हारे पास यह था, व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हम मिनिस्टर के घर को क्या किए थे, लेफ्ट किए थे, छोड़े हुए थे,
क्या तुम इस बात से निश्चित हो कि जो है कि यह हार तब था तुम्हारे गले में जब हम मिनिस्टर के घर को छोड़े हुए थे, मतलब मिनिस्टर के घर से जब हम लोग निकल रहे थे, तो जरा बताओ कि यह हार क्या तुम्हारे गले में था। आगे देखते हैं, यस मिस हाँ, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया था, इट एज वी केम आउट, जब हम बाहर निकल रहे थे तब मैंने महसूस किया था कि हार मेरे गले में था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन दी स्ट्रीट, शायद तुम जो है इसे सड़कों पर खोदे होगी, वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, हाँ, इफ यू हैड लॉस्ट इट इन दी स्ट्रीट, यदि तुम इसे सड़कों पर खोई होती, We should have heard it fall. तो गिरने की आवाज अवश्य हम क्या किए होते, सुने होते, तो हम लोग गिरने की आवाज अवश्य क्या किए होते, सुने होते। यदि तुम इसे सड़कों पर खोई होती, तो हम लोग गिरने की आवाज क्या किए होते, सुने होते। It must be in the cab. यह अवश्य ही कहाँ पर होगा, कैब में होगा, मीन्स उस गाड़ी में होगा जिससे हम लोग आए हुए हैं, वह अवश्य ही वहां पर हो सकता है। आगे देखते हैं, यस इट्स इट इज पॉसिबल, यह संभव है, वह कहती है हाँ यह संभव है, मीन्स यह पॉसिबल है कि वह गाड़ी में गिर गया हो। डिड यू टेक दी नंबर, क्या तुम्हें गाड़ी का नंबर पता है, नो नहीं, एंड यू, क्या तुम्हें पता है, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वह क्या था, नो नहीं, दे लुक्ड एट ईच अदर, वे एक दूसरे को देखते हैं। Utterly means पूर्ण रूप से, cast down एकदम शांत शांत भाव से, वह एकदम शांत भाव से वह एक दूसरे को देखते हैं। Finally means अंत में, Lyles dressed himself again, Lyles पुनः क्या करता है, कपड़े को पहनता है। I am going, मैं जा रहा हूँ, he said, वह कहता है मैं जा रहा हूँ, over the track, उस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, where we went on foot, जहाँ से हम पैदल चल रहे थे, मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ मैं हम लोग पैदल चल रहे थे। To see means देखने के लिए, if I can find it, यदि मैं उसे पा सकूँ, यह देखने के लिए काश मैं उसे पा सकूँ। And he went, और वह चला गया। She remained in her evening gown, वह अपने शाम के गाउन में लबादे को पहने हुई वहाँ पर बनी रही। Not having the force to go bed, और बिस्तर पर जाने की हिम्मत नहीं हुई, वह वहीं पर बनी रही और बिस्तर पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ पर देखो मटिल्डा को, देखो उनका हाथ कहाँ पर है, गले के पास है उनका हाथ, और गले के पास उनका हाथ है, चेक क्या कर रहा है कि हमारा तो हरवा दिख ही नहीं रहा है। देखो मटिल्डा सुंदर है ना, उसकी वाइफ सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर, देखो दिख रही है, इतना सुंदर फोटोइया में दिख रही है, तो सोचो कितना सुंदर आई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 10 पे चलते हैं, 5-6 पैराग्राफ और है आधे घंटे की क्लास है। पैराग्राफ नंबर 10 पे चलते हैं। टूवर्ड 7 o'clock, 7 बजे हर हस्बैंड रिटर्न, मीन्स उसका पति आया, मीन्स 7 बजे तक उसका पति वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, वह कुछ नहीं पाया, मीन्स 7 बजे तक उसका पति वापस आया लेकिन कुछ मिला नहीं। ही वेंट टू दी पुलिस, वह पुलिस के पास गया। टू दी कैब ऑफिस, मीन्स कैब के ऑफिस में गया, मीन्स घोड़ा गाड़ी के ऑफिस में गया। पुट एंड एडवर्टाइजमेंट, और उसने विज्ञापन छपवाया। इन दी न्यूज़पेपर, मीन्स पेपर में उसने विज्ञापन छपवाया। ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, मीन्स इनाम की उसने क्या किया, घोषणा भी किया, और इनाम की उसने घोषणा भी किया। सी वेटेड ऑल डे, वह पूरे दिन इंतजार करता रहा। इन अ स्टेट, मीन्स स्टेट ऑफ बिवल्डरमेंट, मीन्स घबराहट की अवस्था में। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, मीन्स इस दुर्भाग्य की घटना के बाद, इस दुर्भाग्य की घटना के बाद वह घबराहट में क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। Lyles returned in the evening, Lyles कब वापस हुए, शाम को वापस हुए, मीन्स दिन भर वह खोजे, अब कब वापस हुए, शाम को वापस हुए। His face pale, उनका चेहरा कैसा हो गया था, पीला पड़ गया था। He had discovered nothing, क्योंकि उन्होंने कोई कुछ खोज नहीं कर पाए थे, अर्थात वह उस चीज़ को खोज नहीं पाए हुए थे, मीन्स उन्हें हार नहीं मिला हुआ था। आगे देखते हैं, He said, वह कहते हैं, Write to your friend, अपने दोस्त को लिख दो, that you have broken the clasp, तुम इसके बंधन को तोड़ दी हो। clasp means होता है जो बंधन होता है, जो जोड़ होता है, उसी को clasp बोलते हैं। तुम इसके बंधन को जोड़ तोड़ चुकी हो। आप the necklace, means इस नेकलेस के बंधन को क्या कर चुकी हो, तुम तोड़ चुकी हो। ऐसा लिखो जो है,
एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, तुम इसे सुधार दोगी, दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। तुम इतना बात अपने दोस्त को लिखना और इससे हम लोग को समय मिल जाएगा, हम लोग खोज लेंगे या फिर कुछ ना कुछ उपाय कर लेंगे। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, वैसे ही लिखती है जैसे उसे कहा गया, मीन्स जैसे उसका पति ने उससे कहा लिखने के लिए, वह वैसे लिखती है। एट द एंड ऑफ द वीक, मीन्स सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, वे सभी अपनी उम्मीदें क्या कर चुके थे, छोड़ चुके थे। एंड लॉयल इज ओल्डर बाई 5 years, और लॉयल इज 5 वर्ष बाद, एंड लाइल इज ओल्डर बाई 5 years, 5 वर्ष का बड़े होने के बाद, डिक्लेयर मीन्स घोषणा किया, वी मस्ट इन अ शॉप ऑफ दी शॉप, कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ, वी मस्ट है, हाँ वी मस्ट, क्या कहा, इन दी शॉप ऑफ पैलेस रॉयल, इन दी शॉप, अच्छा यहाँ से है, इन अ शॉप ऑफ दी, हाँ एक मिनट, इन दी साप, यहाँ से होगा, कहाँ से होगा, हाँ यहाँ से है, हाँ इन अ साप ऑफ पैलेस रॉयल की दुकान में, दे फाउंड, वे पाए, अ चैपलेट मीन्स एक हार, एक माला पाए, और डायमंड्स मीन्स डायमंड का, हीरो का एक माला पाए, विच सीम्ड, जो प्रतीत हो रहा था, टू देम एग्जैक्टली लाइक, मीन्स सेम उसी तरह क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था, सेम उसी तरह से क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, इसकी कीमत कितनी थी, 40,000 francs कीमत थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, वह उसे आफ्टर बार्गेनिंग जो है 36,000 francs में क्या कर देंगे, दे देंगे, मीन्स वे उस हार को 36,000 francs में क्या कर देंगे, दे देंगे, ऐसा उसने क्या किया, बार्गेनिंग किया। तो प्यारे बच्चों ये था पैराग्राफ नंबर 10 था, 5 पैराग्राफ और बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग बताना कि कौन एक बार में वीडियो को देखा हुआ है, कौन 2-3 बार में देखा, कौन ऐसा बालक है जो 10 बार में देखा हुआ है इस वीडियो को, इस क्लास को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। 11वें पैसेज पर चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चा लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेगा, प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। पैराग्राफ नंबर 11 में चलते हैं, थकान सी हो गई, क्योंकि रात में वीडियो बना रहे, थकान सी हो जाती है, रात में नींद नहीं आती है, जागते रहते हैं आपकी क्लास के लिए, तो इसलिए एकदम आंखें मतलब एकदम थकी हुई होती हैं। आगे चलते हैं, आज भी रात पूरी रात जग रहे हैं, आपका इसे तैयार किए, उसके बाद जो है PDF तैयार किए, फिर जो है टाइपिंग कराए, सारी चीज़ें करने के बाद रात भर जग करके इस क्लास को ले रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस पीछे ना हो। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 11 में चलते हैं, देखते हैं 11 क्या है। लाइलेज पोजिस्ट 18,000 francs, लाइलेज के पास था 18,000 francs मुद्रा, लाइलेज के पास 18,000 francs मुद्रा थी, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ करके गए थे। ही बारोड रेस्ट, बाकी बचे हुए पैसे को वह क्या करता है, उधार ले लेता है। ही मेड र्यूनस प्रोमिसेज, उसने जो है मेड मीन्स बनाया, र्यूनस मीन्स तबाह कर देने वाले, उसने किए प्रोमिसेज मीन्स वादे, उसने तबाह कर देने वाले वादे किए। टुक मनी फ्रॉम यूजरर, सूदखोरों से वह पैसा लिया। एंड दी होल रेस ऑफ लेंडर्स, और जो है पूरी जाति जो है उधार देने वाली पूरी जात से उसने क्या लिया, पैसा लिया। देन ही वेंट टू गेट दी न्यू नेकलेस, फिर उन्होंने एक नए नेकलेस को लेकर के आए। डिपोजिटिंग ऑन दी मर्चेंट्स काउंटर 30,000 francs, डिपॉजिटिंग मीन्स जमा करते हुए, ऑन दी मर्चेंट्स काउंटर 36,000 francs, 36,000 francs मुद्दा वहाँ पर क्या किया, उस दुकान पर जमा किया। वेन मैडम लॉयलेस टुक बैक दी जेवल्स टू मिस्टर फॉरेस्टियर, जब मैडम लॉयलेस जो है, लॉयलेस उस जेवल को लेकर के मिसेस मैडम फ्रंटियर के पास, फॉरेस्टियर के पास पहुंचती हैं। दी लेटर से टू हर इन अ फ्रिजी टोन, कुआ बड़े ठंडे स्वर में बोलती हैं, यू हैव रिटर्न देम
टू मी सूनर, तुम्हें इसे मुझे जल्दी वापस कर देना चाहिए था, फॉर आई माइट हैव नीडेड अदम, क्योंकि मुझे इसकी क्या है, नीडेड है, मिस आवश्यकता है, मुझे इसकी आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें पहले लेकर के आ जाना चाहिए था। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन दी जेवल बॉक्स, उन्होंने जेवल बॉक्स को खोला नहीं, एंड मैडम लॉयलेस को फियर था, डर था सी उड की वह ऐसा करेंगी। मिसेस फॉरेंटियर ने ऐसा नहीं किया मैडम फॉरेस्टियर ने, लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि वह ऐसा करेंगी, वह इस बात से डर रही थी। व्हाट वुड सी थिंक इफ सी वुड परसीव, यदि वह पहचान जाती, मिस देख लेती तो क्या होता, दिस सब्स्टिट्यूशन मीन्स इस बदले हुए को अगर वह देख लेती तो क्या होता। व्हाट शुड सी से वह क्या कहती, वुड सी टेक हर फॉर अ रोबर, मीन्स क्या वह मुझे चोर समझेंगी, यदि उन्हें पता चलेगा तो क्या वह मुझे चोर समझेंगी। तो ये था पर बच्चों यहाँ से आपका 11वां पैसेज कंप्लीट हुआ, पैसेज नंबर 11 कंप्लीट हुआ। पैसेज नंबर 12 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा नींद आने लगती है प्यारे बच्चों, रात में क्लास लेने से ना दिक्कत होती है, नींद आने लगती है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपकी क्लास लेंगे, आपकी क्लास इसे पूरी करेंगे। आप लोग मन से पढ़ते रहो और एकदम मन से पढ़ाई करो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप मन से पढ़ाई किया करो, लापरवाही ना करो किया करो, लापरवाही करोगे तो फिर दिक्कत है आपके लिए, मेरे लिए भी दिक्कत है, आपके लिए भी दिक्कत है लापरवाही करोगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं, मैडम लॉयलेस नाउ न्यू दी हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब जो है मैडम लॉयलेस को अभाव की विकट जिंदगी के बारे में पता चल चुका था। मिस्टर लॉयलेस नाउ न्यू, अब जानने लगी थी, दी हॉरिबल मीन्स विकट या भयानक, लाइफ ऑफ नेसेसिटी मीन्स अभाव के जीवन, अब वह भयानक अभाव के जीवन को जानने लगी थी। सी डिड हर पार्ट, उन्होंने अपनी भूमिका को अदा किया हुआ था, हाउ एवर कम्प्लीटली मीन्स फिर भी पूरी तरह से उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया था, हीरोइकली मीन्स पूरी, हीरोइकली मीन्स होता है पूरे बहादुरी से, पूरे बहादुरों से उन्होंने अपनी भूमिका को क्या किया हुआ था, निभाया, एंड हाँ कहाँ गए, इट वॉज नेसेसरी, यह आवश्यक था, टू पे दैट फ्राइटफुल डेब्ट, कि उस जो है भयानक कर्ज को क्या किया जाए, चुका दिया जाए, यह आवश्यक था। सी वुड पे इट, वह इसे चुका दी, दे सेंट अवे द मेड, वह चुकाने के लिए, दे सेंट अवे द मेड, वे नौकरानी को भेज दी, दे चेंज दियर लॉगिंग्स, वह अपने सामग्रियों को परिवर्तन कर दी, चेंज कर दी, दे रेंटेड, वे किराए पर ले ली, सम रूम्स मीन्स कुछ कमरे, इन एन अटिक मीन्स अटारी में, वह अटारी में कुछ कमरे क्या कर ली, किराए पर ले ली। आगे चलते हैं, सी लर्न दी ओडियस वर्क ऑफ किचन, सी लर्न, उन्हें पता चला, दी ओडियस मीन्स घिनौना, ओडियस मीन्स होता है घिनौना, घिनौना कार्यों के बारे में, सी लर्न दी ओडियस ऑफ अ किचन, उन्हें किचन के घिनौने कार्यों के बारे में पता चला, सी वाज दी डिशेस, वह प्लेटें धुलने लगी, सी वाज दी सॉलिड लिनन, वह जो है गंदे वस्तुओं को धुलने लगी, देयर क्लोथ्स एंड डिस्क्लोज, उनके कपड़ों को बदलना, चेंज करना, विच सी हंग ऑन दी लाइन ऑफ दी ड्रे, जिसे वह जो है ड्राई, विच सी हंग ऑन दी लाइन ऑफ ड्राई, सी टुक डाउन दी रिफ्यूज टू दिस स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप दी वाटर, ध्यान देना, विच सी हंग ऑन दी लाइन टू ड्राई, जिससे वह सूखा के लिए, पानी की सूख बुझाने के लिए, सी टुक डाउन टू दी रिफ्यूज टू दी स्ट्रीट, वह सड़कों पर जाने लगी, ईच मॉर्निंग मिस प्रत्येक सुबह, ब्रॉट अप दी वाटर, वहाँ से पानी लाने लगी, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग मीन्स प्रत्येक ठहराव पर वह रुकती थी, टू कैच हर ब्रीथ मीन्स सांस लेने के लिए प्रत्येक ठहराव पर वह रुकती थी, एन क्लॉथ और उसके कपड़े, लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपुल मीन्स लोगों की, स्त्रियों के समान उसके कपड़े भी थे, सी वेंट टू द ग्रॉसर्स, वह परचून की दुकान पर मीन्स किराने की दुकान पर जाने लगी, द बूचर्स मीन्स मिस जो है गोश्त की दुकान पर जाने लगी, एंड दी फ्रूटरर्स मीन्स कच्चे फल की दुकान पर जाने लगी, विथ हर बास्केट ऑफ हर आर्म मीन्स अपने भुजाओं में टोकरी लेकर के,
शॉपिंग हैगलिंग मीन्स वह खरीदारी करता था, हैगलिंग करता था और खरीदारी करता था, खरीदारी में वह अच्छे मोल भाव करता था। शॉपिंग मीन्स खरीदना, हैगलिंग मीन्स मोल भाव के साथ। टू द लास्ट साउ ऑफ हर मिजरेबल मनी, अपने पैसे की कंडीशन की कमी में वह क्या करने लगा था, अब दुकानों से वह बहस करने लगी थी, हैगलिंग करने लगी थी मीन्स बहस, हैगलिंग मीन्स जो क्या कहते हैं समझौता सही से सेट करना, वही होता है हैगलिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है आपका पैराग्राफ नंबर 13, 14, 15, तीन पैराग्राफ है, जल्दी से कंप्लीट होगा। तीनों पैराग्राफ बहुत टफ पैराग्राफ नहीं है, दो घंटे के पहले ही आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आप लोग टेंशन ना लीजिए। 13वां पैराग्राफ क्या है, द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स मीन्स पति शाम को भी काम करने लगा, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर मीन्स हिसाब किताब सही करने के बाद जो है वह व्यापारी तक पहुंचाने लगा, मीन्स ये भी काम है, किताब कापी सही करने के बाद, सब कुछ सेट करने के बाद कि जो है पहुंचाना ही एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसी बात को कही हुए हैं। ठीक है, आगे है, हाँ, एंड नाइट्स और रात्रि में, हाँ कहा गया पुटिंग दी बुक्स, हाँ एंड नाइट्स और रात्रि में ही ऑफन कॉपिंग, वह प्रायः कॉपी करता है एट 5 sugars अ पेज मीन्स वह रात्रि में 5 sikkes के प्रति पृष्ठ की दर से कॉपी करने का काम क्या करने लगा, कॉपी मीन्स नकल करने का काम करने लगा। एंड दिस लास्टेड फॉर 10 years और यह कब खत्म हुआ, 10 वर्षों में यह खत्म हुआ, 10 वर्षों के पहले नहीं, 10 वर्षों में यह क्या हुआ खत्म हुआ। आगे देखते हैं, 10 वर्षों में यह खत्म हुआ, हाँ हैगलिंग द लास्ट, अच्छा ये आपका आगे देखते हैं, आगे है एट द एंड ऑफ 10 years मीन्स 10 वर्षों के अंत में दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, वे एक दूसरे से क्या हो गए थे, वापस लौट आए थे। एट द एंड ऑफ द 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल मीन्स वे वापस लौट आए थे, अर्थात सब कुछ चुकता कर दिए थे, मीन्स अगले 10 वर्षों में वे सब कुछ क्या कर दिए थे, चुकता कर दिए हुए थे। अब आगे देखते हैं, मैडम लॉयलेस सीम्ड ओल्ड नाउ, मैडम लॉयलेस जो है अब बूढ़ी दिखने लगी थी, मीन्स वह स्त्री जो अपने आप को बहुत सुंदर कह रही थी वह अब बूढ़ी दिखने लगी थी। सी हैड बिकम अ स्ट्रांग, अब वह मजबूत स्त्री बन गई थी। हार्ड वूमेन द क्रूड वूमेन मीन्स पूहड़ स्त्री बन गई थी, अब द पुअर हाउस होल्ड मीन्स गरीब हाउस होल्ड के लिए वह क्या बन गई थी, एक पुअर लड़की बन गई थी, गरीब लड़की हो गई थी। पुअर सोफिस्टिकेटेड और जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड था मीन्स परिवार बहुत शांत परिवार था। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके हाँ एयर मीन्स बाल, उसके बाल जो है ड्रेडली वेयर्स ड्रेड, हाँ एक मिनट थोड़ा सा रुक जाना, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, बस चल रहे हैं, थोड़ा सा गला सही कर रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा गले में दिक्कत है। आगे चलते हैं, हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसका जो बाल था बुरी तरह से ड्रेस था मीन्स बुरी तरह से व्यवस्थित था, अर्थात उसके बाल तितर बितर थे। हर स्कर्ट्स आवरी, और उसकी जो स्कर्ट्स थे वे भी अस्त व्यस्त थे या उल्टा तिरछे थे। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल थे। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, वह एक तेजी आवाज में बोली। एंड वॉच द फ्लावर्स, और जो है फूलों की तरफ उसने क्या किया, साफ सफाई किया। पेल्स ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, पेल्स ऑफ वाटर पानी के बाल्टी को भर करके, लार्ज पेल्स ऑफ वाटर मीन्स पानी के बाल्टी को भर करके उसने फर्श को साफ किया। बट समटाइम्स, लेकिन कभी, व्हेन हर हस्बैंड वाज ऑन एट द ऑफिस, जब उसके पति ऑफिस में होते थे, सी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वह खिड़की के पास बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ द इवनिंग पार्टी अ फॉर्मर टाइम्स, वह उस समय को याद करती है कि जो है जब उसके पिता की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ ऑल दी बॉल
सभी नृत्य वे सीवास सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड मीन्स जहाँ पर सभी नृत्य हुआ था, जहाँ पर उसकी प्रशंसा हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, हाउ वुड इट हैव बीन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट दी नेकलेस मीन्स हाउ वुड इट हैव बीन, यह कैसा होता इफ सी हैड नॉट लॉस्ट दी नेकलेस, यदि वह जो है क्या नहीं खोती, नेकलेस को नहीं खोती, गहने को नहीं खोती तो क्या होता। हु नोज, कौन जानता है, हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कितना जीवन अजीब है, हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल थिंग आर विल रून आर सेव मीन्स हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कितना जीवन अजीब है। सभी लोग जो है सोचते हैं कि कितना जीवन अजीब है, हाउ सिंगुलर लाइफ इज अजीब मीन्स कितना जीवन अजीब है, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितने सारे परिवर्तन हुए हैं, हाउ स्मॉल थिंग विल रून आर सेव मीन्स कैसे छोटी छोटी चीज़ें बना सकती हैं और बिगाड़ भी क्या कर सकती हैं, सकती हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ें बना भी सकती हैं, बिगाड़ भी सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका 13वां पैराग्राफ था, दो पैराग्राफ और। पैराग्राफ नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं पैराग्राफ नंबर 14 क्या है। ऑन संडे मीन्स संडे को, एज सी वॉज टेकिंग अ वॉक, जब वह जो है वॉक कर रही थी मीन्स टहल रही थी, इन दी कहाँ पर वह वॉक कर रही है, इन दी जो है इन दी चेम्स एलसी जब वह चेम्स एलसी में वॉक कर रही थी, टहल रही थी, टू रीड हर सेल्फ मीन्स छुटकारा पाने के लिए, ऑफ दी केरेस ऑफ दी वीक मीन्स सप्ताह के जो है केरेस से, सप्ताह के दर्द से जो है सप्ताह के थकान को मिटाने के लिए, जब वह क्या कर रही थी, टहल रही थी मीन्स एक रविवार को जब वह चेम्स एलसी में अपनी सप्ताह भर की थकान मिटाने के लिए टहल रही थी, सी सडनली परसीव्ड, उसने अचानक देखा, परसीव्ड मीन्स होता है देखना, उसने अचानक देखा, अब मैंने मीन्स एक स्त्री को देखा, वॉकिंग विथ अ चाइल्ड, जो एक बच्चे के साथ क्या कर रही थी, टहल रही थी मीन्स जा रही थी, उसने एक ऐसी स्त्री को देखा जो अपने बच्चे के साथ क्या कर रही थी, जा रही थी। अब किसकी बात हो रही थी, कौन जो है संडे को टहल रहा था, पहले तो कौन संडे को टहल रहा, मार्टिल्डा टहल रही हुई है, तो मार्टिल्डा टहल रही है और मार्टिल्डा ने देखा, एक स्त्री को देखा जो अपने बच्चे के साथ क्या कर रही है, जा रही है। फिर से देखना, वन संडे, एक रविवार को, ऐसी was taking a walk in the chimps lc to read herself of the caresses of the week means ek rabiwar ko jab woh chimps lc mein apne saptah bhar ki thakan mitane hetu tahal rahi thi she suddenly perceived usne achanak dekha ab woman means ek stri ko dekha walking with her child jo ek bacche ke sath kya kar rahi thi walking means ja rahi thi it was madam forestier yah kaun थी, यह मैडम फॉरेस्टियर थी, स्टील यंग अभी भी नौजवान थी, स्टील प्रीटी अभी भी सुंदर थी, स्टील अट्रैक्टिव अभी भी क्या थी, आकर्षक थी, और मैडम फॉरेस्टियर कैसी थी, अभी भी मैडम फॉरेस्टियर यंग थी, नौजवान थी, स्टील प्रीटी अभी भी क्या थी, सुंदर थी, स्टील अट्रैक्टिव अभी भी आकर्षक थी। मैडम लॉयलिस वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉयलिस क्या हो गई, प्रभावित हो गई थी, मैडम लॉयलिस वॉज अफेक्टेड, मैडम लाइजल क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई मीन्स प्रभावित हो गई, शुड सी स्पीक टू हर मीन्स शुड मीन्स क्या वह उससे बात करें, शुड सी स्पीक टू हर क्या वह उससे बात करें मीन्स मिस मैडम फॉरेस्टियर से क्या वह उस बात करें, वही लिखा हुआ है, शुड सी स्पीक टू हर क्या वह उससे बात करें, यस हाँ सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से उसे बात करना चाहिए, एंड नाउ और अब, दैट सी हैड पेड कि वह चुकता कर चुकी है मीन्स जो उसे पैसा चुकाने थे, जो उसे लग रहा था पैसा चुकाना था, तो वह अब चुकता कर चुकी है,
सी वुड टेल हर ऑल, वह उसे बता सकती है सब कुछ, वाई नॉट, क्यों नहीं, मीन्स अब वह उसे कहानी बता सकती है कि तुम्हारा हार खो चुका था, तुम्हारा नेकलेस खो चुका था, हमने तुम्हें दूसरा नेकलेस खरीद कर दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें वह उसे बता सकती है, यहाँ पर इस चीज़ को कहे हुए हैं सी वुड टेल हर ऑल, अब वह उसे बता सकती है, वाई नॉट मीन्स ऐसा क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें कौन सोच रही है, मैटिल्डा सोच रही है, सी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास गई, सी अप्रोच्ड हर, सी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास गई, मीन्स मैटिल्डा किसके पास गई, जो है मैडम फॉरेस्टियर के पास गई, सी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास गई, गुड मॉर्निंग जीन, और क्या कहती है, गुड मॉर्निंग जीन, मीन्स वह अपनी दोस्त जो है फॉरेस्टियर को संबोधित क्या करके कहती है, जीन करके संबोधित करती है, गुड मॉर्निंग जीन, हर फ्रेंड डिड नॉट रिकोगनाइज हर, उसकी दोस्त ने उसे पहचाना नहीं, मिस मैटिल्डा को उसकी दोस्त ने नहीं पहचाना, हर फ्रेंड डिड नॉट रिकोगनाइज हर, उसकी दोस्त ने उसे पहचाना नहीं, एंड वाज एस्टोनिस्ड, और वह क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, टू बी फैमिलियरली एड्रेस्ड मीन्स परिचित के द्वारा, एड्रेस मीन्स बुलाया जाना, परिचित के द्वारा बुलाए जा करके वह स्वयं से आश्चर्यचकित हो गई, बाई दिस कॉमन पर्सोनेज मीन्स सामान्य व्यक्ति, कॉमन मीन्स सामान्य, पर्सोनेज मीन्स व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के परिचित के द्वारा बुलाए जाने से वह क्या हो गई, एस्टोनिस्ड हो गई मीन्स आश्चर्यचकित हो गई, कौन आश्चर्यचकित हुआ है, मैडम फॉरेस्टियर क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, सी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीन्स होता है हकला करके बोलना, सी स्टैमर्ड, वह हकला करके बोली, बट मैडम आई डू नॉट नो, मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैडम मैं आपको नहीं जानती हूँ, यू मस्ट बी मिस्टेकन, आप क्या कर रही हैं, आप अवश्य ही गलती कर रही हैं, आप पहचानने में अवश्य ही गलती कर रही हैं, मैं आपको नहीं जानती हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में 10 साल से कोई बात नहीं हुई, अब यह इतनी जो है दूसरे, ये मैटिल्डा जो है इसकी शरीर इतनी बिगड़ चुकी है, अब पहले जैसी सुंदर नहीं है, तो इसलिए जो है वह पहचान नहीं पा रही है, नो आई एम मैटिल्डा लाइजल, 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 अध्ययन नो नहीं, आई एम मैटिल्डा लाइजल, अब नहीं क्यों यूज किया गया है, नहीं यूज किया गया है कि मैं गलती नहीं कर रही हूं, नो किस लिए यूज किया गया है कि मैं गलती नहीं कर रही हूं, आई एम मैं हूं मैटिल्डा लाइजल, मैं कौन हूं, मैटिल्डा लाइजल हूं, अब अपनी पहचान यह बताती है, हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट मीन्स उसकी सहेली ने हैरानी के साथ क्या बोली, चीख पड़ी, हर फ्रेंड अटर्ड, उसकी दोस्त ने बोली, अ क्राई मीन्स चीख पड़ी, ऑफ एस्टोनिशमेंट मीन्स आश्चर्य के साथ उसकी दोस्त चीख पड़ी, ओ माय पुअर मैटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कितना अधिक बदल गई हो, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कितना अधिक बदल गई हो, मिस परिवर्तन तुम्हारे अंदर कितना आ गया है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका पैराग्राफ नंबर 14 था, अब हम लोग चलते हैं अंतिम पैराग्राफ पे चलते हैं, 15वें पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं 15वां पैराग्राफ क्या है, जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों 15वें पैराग्राफ पे, ये लास्ट पैराग्राफ है 15वां पैराग्राफ, देखिए ये दोनों सहेलियां हैं, ये देखिए इसका जो थोड़ा बिगड़ा हुआ जो है ये कौन होगा, तब ये मैटिल्डा है जो इधर खड़ी हुई है, और इधर जो सुंदर गहने उन्हें पहनी हुई है वो कौन है, वो जो है होगी मैडम फॉरेस्टियर होंगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, 15वें अंतिम पैराग्राफ पे चलते हैं, यस मीन्स हाँ, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, जब से मैं तुम्हें देखी हूँ अर्थात जब से मैं तुम्हें मिली हूँ, मैंने कुछ मुश्किल भरे दिन बिताए हुए हैं, ध्यान देना, यस आई हैड सम हार्ड डेज, मैंने कुछ मुश्किल दिन बिताए हैं, सिंस आई सा यू, जब से मैं तुम्हें देखी हूँ अर्थात जब से मैं तुमसे मिली हूँ, जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैंने कुछ मुश्किल दिन बिताए, एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ निराशापूर्ण दिन रहे हैं, कुछ दयनीय दिन रहे हैं, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सारी चीज़ें हुई हैं बिकॉज ऑफ यू मीन्स सिर्फ तुम्हारे कारण, और ये सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हारे कारण हुई हैं। आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ मी हाउ इज दैट, यह कैसे, बिकॉज ऑफ मी मेरे कारण, हाउ इज दैट, यह कैसे,
मैडम फॉरेस्टियर कह रही है कि बिकॉज ऑफ मी मींस मेरे कारण, हाउ इज दैट, यह कैसे कि तुम मेरी वजह से 10 साल परेशानी से बिता रही हो। यू रिकॉल, तुम्हें याद होगा द डायमंड नेकलेस, वह सोने का नेकलेस तुम्हें याद होगा, डायमंड मींस हीरे का, वह हीरे का तुम्हें नेकलेस मींस हार याद होगा, दैट यू लोन्ड मी, जो तुमने मुझे दिया हुआ था टू वियर मींस पहनने के लिए द मिनिस्टर्स बाल मींस मंत्री के नृत्य पार्टी में, जो तुमने मुझे मंत्री के नृत्य पार्टी में मींस डांस पार्टी में जो मुझे पहनने के लिए हार दिया हुआ था वो हार तुम्हें याद होगा ना। तो देखो मिस्टर मैडम फॉरेस्टियर क्या कहती हैं, यस वेरी वेल, हाँ याद है, बहुत अच्छे से याद है। वेल ठीक है, आई लास्ट इट, मैंने इसे क्या कर दिया था, खो दिया था, मैंने इसे क्या कर दिया था, खो दिया था। वेल ठीक है, आई लास्ट इट, मैंने इसे खो दिया था। हाउ इज दैट, हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी, अगर तुमने हाउ इज दैट, तब तुमने कैसे वापस किया, सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी, तुमने इसे तब वापस कैसे किया, हाउ इज दैट मीन्स यह कैसे, तुमने कैसे इसे वापस किया, अगर तुमने इसे खो दिया था तो वह कैसे तुमने तो मुझे इसे वापस लौटा दिया था, मीन्स हाउ इज दैट, वह कैसे, सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी, तुमने तो इसे मुझे वापस क्या कर दिया था, लौटा दिया हुआ था, तो कैसे तुमने क्या किया था, इसे खोया हुआ था, अगर खोया हुआ होता तो लौटाता कैसे, लौटाती तुम कैसे। तो इस बात को जो है कौन कह रही है, मैडम फॉरेस्टियर कह रही है। आगे चलते हैं, आई रिटर्न्ड एंदर, मैंने दूसरा वापस किया, टू यू मीन्स तुम्हें, मैंने तुम्हें दूसरा वापस किया था, एग्जैक्टली लाइक इट, सेम इसी तरह सा, सेम इसी तरह का, मैंने तुम्हें दूसरा वापस किया था, वो तुम्हारा वाला नहीं था, मैंने तुम्हें दूसरा वापस किया हुआ था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और इसके दाम को चुकता करने के लिए मुझे कितने वर्ष लग गए, 10 वर्ष लग गए, मीन्स तुम्हारे हार के दाम को चुकता करने के लिए मुझे 10 वर्ष लग गए। You can understand, तुम समझ सकती हो, that it was not easy, कि यह आसान नहीं था, us for us means हमारे लिए आसान नहीं था, who have nothing, जिसके पास कुछ ना हो, means जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए जो है यह लौटाना जो है आसान नहीं था, तुम समझ सकती हो। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब यह सब कुछ समाप्त हो चुका है, अर्थात मैं जो है पैसा भर चुकी हूँ जो कर्जा वर्जा ली थी। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मैं अब सही ढंग से या शालीनतापूर्वक या पूर्ण रूपेण कह सकते हो, आई एम डिसेंटली कंटेंट, अब मैं पूरी तरह से कंटेंट हूँ, संतुष्ट हूँ, और अब मैं पूर्ण रूपेण क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टियर उसे बीच में थोड़े समय के लिए क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं, रोकती हैं। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टियर उसे थोड़े समय के लिए रोकती हैं। और एम एम ई क्या है, मैडम है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बना है मैडम का एम एम ई, मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टियर उसे थोड़ा सा बीच में रोकती हैं। सी सेड, वह कहती हैं, यू से तुम कहती हो, दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस, तुमने एक जो है डायमंड का नेकलेस खरीदा था, मीन्स तुमने एक हीरे का नेकलेस खरीदा, मीन्स हार खरीदा, टू रिप्लेस माई, मीन्स मेरे को बदलने के लिए, तुम कहती हो को जो है मेरे से बदलने के लिए मीन्स तुमने मेरे का कर्ज चुकाने के लिए तुमने क्या किया है, एक हार क्यों क्या किया था, खरीदा था। मीन्स वह क्या कर रही है, तुम कहती हो कि तुमने मेरे हार के बदले में एक हीरो का हार खरीदा था। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, यस हाँ, वह कहती है कि हाँ, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तुमने उसे उस समय पहचाना नहीं, परसीव मीन्स होता है पहचानना, मीन्स तुम हो सकता उस समय पहचान न सकी हो। दे वर जस्ट एलाइक, वे एकदम समान थे, मीन्स वे एकदम समान थे, जो मैंने हार तुम्हें दिया हुआ था वह एकदम समान थे। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वह एकदम गर्व और साधारण सी मुस्कान के साथ क्या करती है, बोलती है, सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती है, विथ प्राउड मीन्स गर्व के साथ, एंड सिंपल जॉय मीन्स एकदम साधारण सी खुशी के साथ वह मुस्कुराती है।
मैडम फॉरेस्टियर वाज टस्ड, मैडम फॉरेस्टियर उसे स्पर्श करती हैं एंड टूक बोथ हर हैंड्स, और उसके दोनों हाथों को ले लेती हैं, अपने हाथों में दोनों हाथों को ले लेती हैं, मीन्स उसके दोनों हाथों को पकड़ती हैं। एज सी रिप्लाइड, और वह उत्तर देती हैं, क्या उत्तर देती हैं, ओ माई पुअर माटिल्डा, ओ मेरी बेचारी माटिल्डा, माइंड वर फॉल्स, जो मेरे हार थे वे फॉल्स थे, वे नकली थे, दे वर नॉट वर्थ 500 फ्रैंक्स, फ्रेंसिस, उनकी कीमत 500 से अधिक फ्रैंक की नहीं थी, मींस उनकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी, जो मेरे हार थे वे बनावटी थे, वे नकली थे, और उनकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। तुमने तो मुझे 40,000 फ्रैंक का जो है हार दे दिया, मुझे भी नहीं पता चला कि जो है वो डायमंड का है, क्योंकि उसमें पता अंतर नहीं होता है, तो लेकिन जो है मेरे की कीमत तो नकली था, बनावटी केवल था, और उसकी कीमत कितनी की थी, 500 फ्रैंक से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं थी। सोचो गलतफहमी में जो है पूरे 10 साल उसने बिता दिया उस बेचारी किसी तरह से भरने में। इसीलिए बात कर लेना चाहिए, कहीं भी गलतफहमी हो तो बात कर लेना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ, आज की क्लास भी यहीं कंप्लीट करेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में मिलेंगे। और हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, आपका यदि पीछे का छूटा हो, जैसे प्रोज का आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया, पोएट्री में 8 पोएम कंप्लीट हो गई है, सप्लीमेंट्री में आपका 7वां चैप्टर चल रहा है, 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, छूटा हो कुछ पीछे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन क्लास समाप्त करने से एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 10th के सभी बच्चों वीडियो को शेयर और करेंगे, प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं के शब्दों के साथ क्लास समाप्त करेंगे, और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले एक बेहतरीन कोर्स के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जैसे आप लेट उठोगे तो सूर्योदय नहीं देख पाओगे, इसी तरह से अगर आपने अवसर खो दिया, आज जो आपका पढ़ने का समय है आज इसे आपने खो दिया, तो फिर आपको इस दोबारा समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो आप लोग देर ना करिएगा, आप लोग इस समय का सदुपयोग करिएगा, इस एक एक मिनट के सदुपयोग करिएगा, जिससे आपका जीवन एक सही समय पर बेहतर जीवन बन सके। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।